हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है सिर्फ़ एक पंदा तो सिर्फ एक पंदा फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है ओटीटी वर्ज़न है वो कौन से ओटीटी और, और सैटेलाइट प्लेट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक चर्चा करने वाले हैं वहीं से वहीं पे फिल्म से जुड़े जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो बातें वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं सिर्फ एक बंदा जो एक बंदा नाम से भी जानी जाती है इस फिल्म को ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है अपूर्व सिंह कार्की ने वहीं पे इस फिल्म को लिखा हुआ है दीपक किंगरानी ने इसके अलावा जो विनोद भानुशाली है कमलेश भानुशाली विशाल गुरनानी विश्वंकर पठानिया जूही प्रकाश मेहता आसिफ शेख और सुपर्णा वर्मा उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म थी पहले इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन इस फिल्म को ओ रिलीज दिलवाई गई जहाँ पे इस फिल्म को बाद में ओ टी पे रिलीज़ करवाया गया और उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में इस फिल्म को लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज़ दिलवाई हुई थी जिस तरह का रिस्पांस मिला उसको चलते उसके बाद में इस फिल्म ने बाद में वो एक ओ टी टी बाद सैटेलाइट रिलीज ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके चलते फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पांस के चलते अच्छी व्यूअरशिप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हासिल की हुई थी अब हम बात कर लेते इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो संगीत सिद्धार्थ रॉय ने इसका म्यूजिक दिया हुआ है जिन्होंने इसमें फिल्म में तीन गाने कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स हिट्स म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी वो अर्जुन कुकर रेती ने की हुई एडिटिंग है वो सुमित कोतल्यान ने किए हुए एक सौ बत्तीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है दो घंटे बारह मिनट लंबी है फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भानुशाली स्टूडियोज और जी स्टूडियोज़ के द्वारा ही बाद में लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज करवाई गई थी बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर मनोज बाजपेयी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने एडवोकेट पीसी सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म में जो मेन किरदार है मेन प्रोटोगनिस है वो रोल है मनोज बाजपेई ने ही प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इसके सेकंड आर्टिस्ट के बारे में विपिन शर्मा जो एडवोकेट शर्मा के रोल में दिखाई देंगे अधरिंजा सिन्हा ने नू का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या मोहन कुलरेष्टा ने बाबा जी का रोल प्ले किया हुआ है कोत सिन्हा ने गुड्डू का, का रोल प्ले किया हुआ है निखिल पांडे आपको अमित निहांग के रोल में दिखाई देंगे प्रियंका सेतिया ने चांद मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है जय हिंद कुमार ने नू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा शर्मा ने नू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे एडवोकेट पीसी सोलंकी का जो किरदार है वो सच के साथ खड़ा हुआ है जहाँ पे वो उसको जस्टिस दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे वो लड़की को एक रॉन्ग गोडमैन बाबा जी से इन्फ्लुंस हुई लड़की को बचाते हुए उसको जस्टिस दिलवाने की कोशिश कर रहा है वहीं पर वो बाबा जी को आ, उसका उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे लाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे केस है वो काफ़ी हद तक अलग अलग दिशा में मूव होता हुआ नजर आता है तब किस तरह से वो लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज काफ़ी शानदार थी मनोज बाजपेयी काफ़ी नेचुरल लग रहे थे उन्होंने अपने रोल में काफ़ी जान फूकी हुए उनके किरदार के थ्रू वो अच्छा अप्रोध देते हुए नजर आते उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो इस फिल्म को चला रहे थे अपने कंधे पर वो बढ़िया था विपिन शर्मा अदरिंजर सिन्हा सूर्य मोहन कुलरेस्टा जैसे कई आर्टिस्ट आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे सभी ने काफी बखूबी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की कहानी थी वो काफी बढ़िया थी उसको काफी मैनर में, में मेकर्स ने दिखाया हुआ है डायरेक्टर ने अच्छी तरह से चीजों को डेवलप किया हुआ था स्क्रीन प्ले उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था जिस तरह से चीजों को हमें स्क्रीन प्ले में दिखाते हुए नजर आते वो बढ़िया है डायलॉग्स काफी बढ़िया नजर आते अच्छी तरह से डायलॉग को लिखा हुआ था और एक डेफ क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी वहीं पर इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन

तो टेक्निकली वेल मेड बनी हुई फिल्म एक कहानी अच्छी थी जिसको डायरेक्टर अपूर्व सिन्हा कार्की ने डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ था मनोज बाजपेई से लेकर दुर्गा शर्मा तक सभी आर्टिस्ट ने बखूबी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई थी तो ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे नजर आई थी जिसके चलते लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई थी फिल्म की शूटिंग थी वो अक्टूबर नौ दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मनोज बाजपाई ने अनाउंस किया हुआ था कि आ, वो एक ऐसी फिल्म करे जिसको उन्होंने साइन किया हुआ है जिसमें ये कहानी देखने को मिलेगी कुछ कोटरूम ड्रामा टाइप ऑफ आपको देखने को मिलेगा फिल्म की शूटिंग मुंबई से की गई थी जहाँ पे दिसंबर 2022 तक मुंबई में पेचवक के साथ फिल्म को रेपअप किया हुआ था म्यूजिक के राइट सीट्स म्यूजिक वालों ने डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे गानों को है, वो संग, संगीत सिद्धार्थ और रॉय ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल तीन गाने थे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बंदा टाइटल ट्रैक था उसके लिरिक्स से वो समीर अनजान ने लिखा हुआ था इनकोर ने लिखा हुआ था और जो रेप था वो इनकोर के द्वारा लिखे गए थे लिरिक्स वहीं पर गाने वो विवेक हरिहरन रॉय ने गाया हुआ था और एनकोर ने रेप लिखा हुआ था तो उन्होंने ही गाया हुआ था उसको सहारा तू मेरा करके जो गाना है उसको गरिमा ओब्रहम ने लिखा हुआ था आशीष कौर और संगीत सिद्धार्थ ने उसको गाया हुआ था बंदे या करके जो गाना था उसको गरिमा ओबराय और संगीत सहलदीपुर ने लिखा हुआ था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था तो ये तो टोटल तीन गाने थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट सत्ताईस सेकंड जिसको ऑफिशियली हिट्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया हुआ था तो वहाँ पे आप वीडियो ऑफिशियलीडियो फॉर्मेट में तीन गानों को सुन सकते हो अब हम बात करें मार्केटिंग के ऊपर फिल्म का जो फोस्ट लुक फर्स्ट लुक था मूवी का वो 8 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था और इसका टीजर पोस्टर आपको देखने को मिला था अप्रैल दो हजार में तेईस तारीख को दो में देखने को मिला था अप्रैल महीने में मनोज बाजपेई के बर्थडे के मौके के ऊपर ट्रेलर को ऑफिशियली आठ मई दो को रिलीज किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी फिल्म के अगेंस्ट कुछ लीगल नोटिस भी आई थी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ट्रेलर लॉन्च के वक्त लेकिन सभी चीजें बाद में शॉर्ट आउट हो चुकी थी और यह पहले थिएट्रिकल रिलीज के लिए फिल्म को बनाया हुआ था लेकिन बाद में ओटी रिलीज करवाई ओ टी पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिसके बाद इस फिल्म को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज भी दिलवाई गई थी जहां पर इस फिल्म को ओ टी पे पहले तेईस मई दो को रिलीज किया गया था उसके बाद में दो जून दो को थिएटर में लिमिटेड रिलीज दिलवाई गई थी जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी राइट से वो जी फाइव ओ टी ने खरीदे हुए सैटेलाइट राइट से वो सोनी मैक्स और मैक्स एच वालों ने खरीदे हुए सिर्फ एक बंदा फिल्म को जब रिलीज किया गया ओटी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर अच्छा वोट हासिल हुए इस फिल्म को अभी तक आई एम की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से तो एक अच्छी रेटिंग हासिल की जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में अपना एक जगह बनाई और फिल्म ने एक अच्छी खासी व्यूर्सिप हासिल की हुई थी तो इस फिल्म को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जरूर डेफिनेटली देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट जी के पास है

इसके अलावा जो विनोद भानुशाली है कमलेश भानुशाली विशाल गो गु, गुरनानी विश्वंकर पठानिया जूही प्रकाश मेहता आसिफ शेख और सुपर्णा वर्मा उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म थी पहले इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन इस फिल्म को ओ रिलीज दिलवाई गई जहाँ पे इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे रिलीज़ करवाया गया और उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में इस फिल्म को लेटर ऑन से थिएट्रिकल रिलीज़ दिलवाई हुई थी जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला उसको चलते उसके बाद में इस फिल्म ने बाद में वो एक ओ टी टी से वो, के बाद सेटेलाइट रिलीज ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते अच्छी व्यूअरशिप ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हासिल की हुई थी अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो संगीत सिद्धार्थ रॉय ने इसका म्यूजिक दिया हुआ है जिन्होंने इसमें फिल्म में तीन गाने कंपोज किए हुए हैं म्यूजिक के राइट्स हिट्स म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी वो अर्जुन कुकर रेती ने की हुई एडिटिंग है वो सुमित कौलियान ने की हुई एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है दो घंटे बारह मिनट लंबी है फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भानुशाली स्टूडियोज और जी स्टूडियोज़ के द्वारा ही बाद में लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज़ करवाई गई थी बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर मनोज बाज लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने एडवोकेट पीसी सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म में जो मेन किरदार है मेन प्रोटोगनिस्ट से वो रोल है मनोज बाजपेयी ने ही प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इसके सेकंड आर्टिस्ट के बारे में विपिन शर्मा जो एडवोकेट शर्मा के रोल में दिखाई देंगे अधरिंजा सिन्हा ने नू का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या मोहन कुलरेष्टा ने बाबा जी का रोल प्ले किया हुआ है कोत सव सिन्हा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल पांडे आपको अमित निहांग के रोल में दिखाई देंगे प्रियंका सेतिया ने चांद मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है जय हिंद कुमार ने नू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा शर्मा ने नू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे एडवोकेट पीसी सोलंकी का जो किरदार है वो सच के साथ खड़ा हुआ है जहाँ पे वो उसको जस्टिस दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे वो एक लड़की को एक रॉन्ग गोडमैन बाबा जी से इन्फ्लुंस हुई लड़की को बचाते हुए उसको जस्टिस दिलवाने की कोशिश कर रहा है वहीं पर वो बाबा जी को आ, उसका उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे लाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे केस है वो काफी हद तक अलग अलग दिशा में मूव होता हुआ नजर आता है तब किस तरह से वो लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगा वही फिल्म की कहानी बना दी जहाँ पे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी शानदार थी मनोज बाजपेयी काफ़ी नेचुरल लग रहे थे उन्होंने अपने रोल में काफ़ी जान फूकी हुए उनके किरदार के थ्रू वो अच्छा पद देते हुए नजर आते उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो इस फिल्म को चला रहे थे अपने कंधे पर वो बढ़िया था विपिन शर्मा अधरेंजर सिन्हा सूर्य मोहन कुलरेस्टा जैसे कई आर्टिस्ट आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे सभी ने काफ़ी बखूबी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की कहानी थी वो काफ़ी बढ़िया थी उसको काफ़ी क्रिस मैनर में मेकर्स ने दिखाया हुआ है डायरेक्टर ने अच्छी तरह से चीजों को डेवलप किया हुआ था स्क्रीन प्ले उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था जिस तरह से चीजों को हमें स्क्रीन प्ले में दिखाते तो हुए नजर आते वो बढ़िया है डायलॉग्स काफी बढ़िया नजर आते अच्छी तरह से डायलॉग को लिखा हुआ था और एक डेफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी वहीं पर फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी बढ़िया नजर आती है फिल्म की सीनेमेटोग्राफी काफी अच्छी थी बेसिक चीजों को अच्छी तरह से शोकेस करने की कोशिश की हुई है कॉटरूम ड्रामा है उसके बावजूद उसमें जो म्यूजिक का तड़का यूज किया हुआ है वो काफी बढ़िया यानी कि म्यूजिक को जिस तरह से यूज किया हुआ था वो काफी बढ़िया चीज को अच्छी तरह से हुआ है बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया था जिस तरह के सीस थे उस हिसाब से जा रहे थे एडिटर यानी कि सुमित कोतिया ने बखूबी इस फिल्म को क्रिस्प रखा हुआ है एक मिनट के रन टाइम यान में यानी कि दो घंटे बारह मिनट के रन टाइम में चीजों को काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारे सामने पेश किया हुआ है तो टेक्निकली मेड बनी हुई फिल्म है कहानी अच्छी थी जिसको डायरेक्टर अपूर्व सिन्हा कार्की ने डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ था मनोज बाजपाई से लेकर दुर्गा शर्मा तक सभी आर्टिस्ट ने बखूबी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई थी तो ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर नजर आई थी जिसके चलते लोगों को ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी फिल्म की शूटिंग थी वो अक्टूबर नौ दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मनोज बाजपाई ने अनाउंस किया हुआ था कि आ, वो एक ऐसी फिल्म करे जिसको उन्होंने साइन किया हुआ है जिसमें ये कहानी देखने को मिलेगी कुछ कोटरूम ड्रामा टाइप ऑफ आपको देखने को मिलेगा फिल्म की शूटिंग मुंबई से की गई थी जहां पे दिसंबर 2022 तक मुंबई में पेचवक के साथ फिल्म को रेपअप किया हुआ था म्यूजिक के राइट सीट म्यूजिक वालों ने डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे गानों को है, वो संग, संगीत सिद्धार्थ तो और रोहित ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल तीन गाने थे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बंदा टाइटल ट्रैक था उसके लिरिक्स से वो समीर अंजान ने लिखा हुआ था इनको ने लिखा हुआ था और जो

वहीं पे गाने वो विवेक हरिहरन रॉय ने गाया हुआ था और एनकोर ने रेप लिखा हुआ था तो उन्होंने ही गाया हुआ था उसको सहारा तू मेरा करके जो गाना है उसको गरिमा ओब्रह ने लिखा हुआ था आशीष कौर और संगीत सिद्धार्थ ने उसको गाया हुआ था बंदे या करके जो गाना था उसको गरिमा ओबराय और संगीत सहलदीपुर ने लिखा हुआ था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल तीन गाने थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट सत्ताईस सेकंड जिसको ऑफिशियली हिट्स म्यूजिक के ऑफिलियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया हुआ था तो वहाँ पे आप ऑफिशियल वीडियो ऑफिशियलीडियो फॉर्मेट में इन तीन गानों को सुन सकते हो अब हम बात करें मार्केटिंग के ऊपर फिल्म का जो पोस्ट लुक था तो फर्स्ट लुक था मूवी का वो 8 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था और इसका टीजर पोस्टर आपको देखने को मिला था अप्रैल दो हजार में तेईस तारीख को दो में देखने को मिला था अप्रैल महीने में मनोज बाजपेई के बर्थडे के मौके के ऊपर ट्रेलर को ऑफिशियली आठ मई दो को रिलीज किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी फिल्म के अगेंस्ट कुछ लीगल नोटिस भी आई थी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ट्रेलर लॉन्च के वक्त लेकिन सभी चीजें बाद में शॉर्ट आउट हो चुकी थी और यह पहले थिएट्रिकल रिलीज के लिए फिल्म को बनाया हुआ था लेकिन बाद में ओटी रिलीज करवाई ओ टी पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिसके बाद इस फिल्म को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज भी दिलवाई गई थी जहां पर इस फिल्म को ओ टी पे पहले तेईस मई दो को रिलीज किया गया था उसके बाद में दो जून दो को थिएटर में लिमिटेड रिलीज दिलवाई गई थी जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी राइट से वो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए सैटेलाइट राइट से वो सोनी मैक्स और मैक्स एच वालों ने खरीदे हुए सिर्फ एक बंदा फिल्म को जब रिलीज किया गया ओटी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर अच्छा वोट हासिल हुए इस फिल्म को अभी तक आई एम की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से तो एक अच्छी रेटिंग हासिल की जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में अपना एक जगह बनाई और फिल्म ने एक अच्छी खासी व्यूर्सिप हासिल की हुई थी तो इस फिल्म को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जरूर डेफिनेटली देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट जी के पास है

इसके अलावा जो विनोद भानुशाली है कमलेश भानुशाली विशाल गो गुरनानी विश्वंकर पठानिया जूही प्रकाश मेहता आसिफ शेख और सुपर्णा वर्मा उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म थी पहले इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन इस फिल्म को ओ रिलीज दिलवाई गई जहाँ पे इस फिल्म को बाद में ओ टी पे रिलीज़ करवाया गया और उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में इस फिल्म को लेटर ऑन से थिएट्रिकल रिलीज़ दिलवाई हुई थी जिस तरह का रिस्पांस मिला उसको चलते उसके बाद में इस फिल्म ने बाद में वो एक ओ टी टी बाद सेटेलाइट रिलीज ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पांस के चलते अच्छी व्यूअरशिप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हासिल की हुई थी अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो संगीत सिद्धार्थ और रोई ने इसका म्यूज़िक दिया हुआ है जिन्होंने इसमें फिल्म में तीन गाने कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स हिट्स म्यूज़िक के पास है वहीं पे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी वो अर्जुन कु, कु, कुकर रेती ने की हुई एडिटिंग है वो सुमित कोतिल्लान ने किए हुई एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है दो घंटे बारह मिनट लंबी है फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भानुशाली स्टूडियोज और जी स्टूडियोज़ के द्वारा ही बाद में लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज करवाई गई थी बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर मनोज बाजपेई लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने एडवोकेट पीसी सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म में जो मेन किरदार है मेन प्रोटोगनिस है वो रोल है मनोज बाजपेई ने ही प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इसके सेकंड आर्टिस्ट के बारे में विपिन शर्मा जो एडवोकेट शर्मा के रोल में दिखाई देंगे अधरिंजा सिन्हा ने नू का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या मोहन कुलरेष्टा ने बाबा जी का, का रोल प्ले किया हुआ है कोत सिन्हा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल पांडे आपको अमित निहांग के रोल में दिखाई देंगे प्रियंका सेतिया ने चांद मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है जय हिंद कुमार ने नू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा शर्मा ने नू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे एडवोकेट पीसी सोलंकी का जो किरदार है वो सच के साथ खड़ा हुआ है जहाँ पे वो उसको जस्टिस दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे वो लड़की को एक रॉन्ग गोडमैन बाबा जी से इन्फ्लुएंस हुई लड़की को बचाते हुए उसको जस्टिस दिलवाने की कोशिश कर रहा है वहीं पर वो बाबा जी को आ, उसका उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे लाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे केस है वो काफ़ी हद तक अलग अलग दिशा में मूव होता हुआ नजर आता है तब तो किस तरह से वो लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी शानदार थी मनोज बाजपेयी काफ़ी नेचुरल लग रहे थे उन्होंने अपने रोल में काफ़ी जान फूकी हुए उनके किरदार के थ्रू वो अच्छा पद देते हुए नज़र आते उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो इस फिल्म को चला रहे थे अपने कंधे पर वो बढ़िया था विपिन शर्मा अदरिंजर सिन्हा सूर्य मोहन कुलरेस्टा जैसे कई आर्टिस्ट आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे सभी ने काफी बखूबी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की कहानी थी वो काफी बढ़िया थी उसको काफी क्रिस्ट मैनर में, में ने दिखाया हुआ है डायरेक्टर ने अच्छी तरह से चीजों को डेवलप किया हुआ था स्क्रीन प्ले उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था जिस तरह से चीजों को हमें स्क्रीन प्ले में दिखाते हुए नजर आते वो बढ़िया है डायलॉग्स काफी बढ़िया नज़र आते अच्छी तरह से डायलॉग को लिखा हुआ था और एक डेफ क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी वहीं पर इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी बढ़िया नजर आती है फिल्म की सीनेमेटोग्राफी काफी अच्छी थी बेसिक चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस करने की कोशिश की हुई है उसके बावजूद उसमें जो म्यूजिक का तड़का यूज किया हुआ है वो काफी बढ़िया यानी कि म्यूजिक को जिस तरह से यूज किया हुआ था वो काफी बढ़िया चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया था जिस तरह के सीन्स थे उस हिसाब से जा रहे थे एडिटर यानी कि सुमित कोतिया ने बखूबी इस फिल्म को क्रिस्प रखा हुआ है एक मिनट के रन टाइम में यानी कि दो घंटे बारह मिनट के रन टाइम में चीज़ों को काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारे सामने पेश किया हुआ है तो टेक्निकली वेलमेड well बनी हुई फिल्म है कहानी अच्छी थी जिसको डायरेक्टर अपूर्व सिन्हा कार्की ने डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ था मनोज बाजपाई से लेकर दुर्गा शर्मा तक सभी आर्टिस्ट ने बखूबी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई थी तो ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर नजर आई थी जिसके चलते लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई थी फिल्म की शूटिंग थी वो अक्टूबर नौ दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मनोज बाजपाई ने अनाउंस किया हुआ था कि आ, वो एक ऐसी फिल्म करे जिसको उन्होंने साइन किया हुआ है जिसमें ये कहानी देखने को मिलेगी कुछ कोटरूम ड्रामा टाइप ऑफ आपको देखने को मिलेगा फिल्म की शूटिंग मुंबई मुंबई से की गई थी जहां पे दिसंबर 2022 तक में पेच के वालों ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में थे, संग, था, टोटल तीन गाने लिस्टिंग करें तो बंदा टाइटल ट्रैक था उसके अनजान ने लिखा हुआ था इनकोर ने लिखा हुआ था और जो रेप था वो इनकोर के द्वारा लिखे गए थे लिरिक्स वहीं पे गाने वो विवेक हरिहरन रॉय ने गाया हुआ था और एनकोर ने रेप लिखा हुआ था तो उन्होंने गाया हुआ था उसको सहारा तू मेरा करके जो गाना है उसको गरिमा ओब्राहम ने लिखा हुआ था आशीष कौर और संगीत सिद्धार्थ ने उसको गाया हुआ था बंदे या करके जो गाना था उसको गरिमा ओबराय और संगीत सहलदीपुर ने लिखा हुआ था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल तीन गाने थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट सत्ताईस सेकंड जिसको ऑफिशियली हिट्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज किया हुआ था तो वहाँ पे आप ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में इन तीन गानों को सुन सकते हो अब हम बात करें मार्केटिंग के ऊपर फिल्म का जो फोर्ट लुक तो फर्स्ट लुक था मूवी का वो 8 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था और इसका टीजर पोस्टर आपको देखने को मिला था अप्रैल दो तेज में तेईस तारीख को दो में देखने को मिला था अप्रैल महीने में मनोज बाजपेई के बर्थडे के मौके के ऊपर ट्रेलर को ऑफिशियली आठ मई दो को रिलीज किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी फिल्म के अगेंस्ट कुछ लीगल नोटिस भी आई थी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ट्रेलर लॉन्च के वक्त लेकिन सभी चीजें बाद में शॉर्ट आउट हो चुकी थी और यह पहले थिएट्रिकल रिलीज के लिए फिल्म को बनाया हुआ था लेकिन बाद में ओटी रिलीज करवाई ओ टी पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिसके बाद इस फिल्म को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज भी दिलवाई गई थी जहां पर इस फिल्म को ओ टी पे पहले तेईस मई दो को रिलीज किया गया था उसके बाद में दो जून दो को थिएटर में लिमिटेड रिलीज दिलवाई गई थी जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी राइट से वो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए सैटेलाइट राइट से वो सोनी मैक्स और मैक्स एच वालों ने खरीदे हुए सिर्फ एक बंदा फिल्म को जब रिलीज किया गया ओ टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर अच्छा वोट हासिल हुए थी 10 में से, तो एक अच्छी रेटिंग हासिल की जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में अपना एक जगह बनाई और फिल्म ने एक अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल की हुई थी तो इस फिल्म को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जरूर डेफिनेटली देख सकते हो जहां पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट जी के पास है

सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मेक्स सोनी मेक्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो बंदा नाम से भी जानी जाती है 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ अपूर्व सिंह कार्की ने वहीं इस फिल्म को लिखा हुआ है दीपक किंगरानी ने इसके अलावा जो विनोद भानुशाली कमलेश भानुशाली विशाल गो गु, गुरनानी विश्वंकर पठानिया जूह प्रकाश मेहता आसिफ शेख और सुपर्णा वर्मा उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म थी पहले इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन इस फिल्म को ओ रिलीज दिलवाई गई जहाँ पे इस फिल्म को बाद में ओ टी पे रिलीज़ करवाया गया और उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में इस फिल्म को लेटर ऑन थिएटरिकल रिलीज़ दिलवाई हुई थी जिस तरह का रिस्पांस मिला उसको चलते उसके बाद में इस फिल्म ने बाद में वो एक ओटीटी टी टी से बाद सैटेलाइट रिलीज ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके, जिसके चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते अच्छी व्यूअरशिप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हासिल की हुई थी अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो संगीत सिद्धार्थ और रॉय ने इसका म्यूजिक दिया हुआ है जिन्होंने इसमें फिल्म में तीन गाने कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट हिट्स म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी वो अर्जुन कुकर रेती ने की हुई एडिटिंग वो सुमित कौलियान ने की हुई एक सौ बत्तीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है दो घंटे बारह मिनट लंबी है फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भानुशाली स्टूडियोज और जी स्टूडियोज़ के द्वारा ही बाद में लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज करवाई गई थी बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर मनोज बाजपेयी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने एडवोकेट पीसी सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म में जो मेन किरदार है मेन प्रोटोगी से वो रोल है मनोज बाजपेयी ने ही प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इसके सेकंड आर्टिस्ट के बारे में विपिन शर्मा जो एडवोकेट शर्मा के रोल में दिखाई देंगे अधरिंजा सिन्हा ने नू का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या मोहन कुलरेष्टा ने बाबा जी का रोल प्ले किया हुआ है कोत सिन्हा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल पांडे आपको अमित निहांग के रोल में दिखाई देंगे प्रियंका सेतिया ने चांचन मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है जय हिंद कुमार ने नू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा शर्मा ने नू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे एडवोकेट पीसी सोलंकी का जो किरदार है वो सच के साथ खड़ा हुआ है जहाँ पे वो उसको जस्टिस दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे वो लड़की को एक रॉन्ग गोडमैन बाबा जी से इन्फ्लुएंस हुई लड़की को बचाते हुए उसको जस्टिस दिलवाने की कोशिश कर रहा है वहीं पर वो बाबा जी को आ, उसका उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे लाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे केस है वो काफ़ी हद तक अलग अलग दिशा में मुंह होता हुआ नजर आता है तब किस तरह से वो लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगा वही फिल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफी शानदार थी मनोज बाजपेई काफ़ी नेचुरल लग रहे थे उन्होंने अपने रोल में काफ़ी जान फूकी हुए उनके किरदार के थ्रू वो अच्छा पद देते हुए नजर आते उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो इस फिल्म को चला रहे थे अपने कंधे पे वो बढ़िया था विपिन शर्मा अदरेंजर सिन्हा सूर्य मोहन कुलरेस्टा जैसे कई आर्टिस्ट आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे सभी ने काफी बखूबी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की कहानी थी वो काफ़ी बढ़िया थी उसको काफी क्रिस मैनर में मेकर्स ने दिखाया हुआ है डायरेक्टर ने अच्छी तरह से चीजों को डेवलप किया हुआ था स्क्रीन प्ले उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था जिस तरह से चीज़ों को हमें स्क्रीन प्ले में दिखाते तो हुए नजर आते वो बढ़िया है डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं अच्छी तरह से डायलॉग को लिखा हुआ था और एक डेफ क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी वहीं पर इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन भी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है फिल्म की सीनेमेटोग्राफी काफी अच्छी थी बेसिक चीज़ों को अच्छी तरह से सोकेस करने की कोशिश की हुई कोटरूम ड्रामा है उसके बावजूद उसमें जो म्यूजिक का तड़का यूज़ किया हुआ वो काफी बढ़िया यानी कि म्यूजिक को जिस तरह से यूज़ किया हुआ था वाफी बढ़िया चीज़ों को अच्छी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया था जिस तरह के सीन से उस हिसाब से जा रहे थे एडिटर यानी कि सुमित कोटिया ने बखूबी इस फिल्म को क्रिस्प रखा हुआ है 132 मिनट के रन टाइम में यानी कि दो घंटे 12 मिनट के रन टाइम में चीजों को काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारे सामने पेश किया हुआ है तो टेक्निकली वेल मेड बनी हुई फिल्म है कहानी अच्छी थी जिसको डायरेक्टर अपूर्व सिन्हा कार्की ने डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ था मनोज बाजपाई से लेकर दुर्गा शर्मा तक सभी आर्टिस्ट ने बखूबी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई थी तो ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर नजर आई थी जिसके चलते लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई थी फिल्म की शूटिंग थी वो अक्टूबर नौ दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मनोज बाजपाई ने अनाउंस किया हुआ था कि वो एक ऐसी फिल्म करे जिसको उन्होंने साइन किया हुआ है जिसमें ये कहानी देखने को मिलेगी कुछ कोटरूम ड्रामा टाइप ऑफ आपको देखने को मिलेगा फिल्म की शूटिंग मुंबई से की गई थी जहां पे दिसंबर 2022 तक मुंबई में के के साथ फिल्म को अप किया हुआ था म्यूजिक म्यूजिक वालों ने डिसेंट में खरीदे हुए थे गानों को है, वो संग, संगीत तो सिद्धार्थ और रोहित ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल तीन गाने थे ट्रेक लिस्टिंग करे तो बंदा टाइटल ट्रैक था उसके लिरिक्स से वो समीर अनजान ने लिखा हुआ था इनकोर ने लिखा हुआ था और जो रेप था वो इनकोर के द्वारा लिखे गए थे वो लिरिक्स वहीं पे गाने वो विवेक हरिहरन रॉय ने गाया हुआ था और एनकोर ने रेप लिखा हुआ था तो उन्होंने ही गाया हुआ था उसको सहारा तू मेरा करके जो गाना है उसको गरिमा उब्रह ने लिखा हुआ था आशीष कौर और संगीत सिद्धार्थ ने उसको गाया हुआ था बंदे या करके जो गाना था उसको गरिमा ओब्रा और संगीत हल्दीपुर ने लिखा हुआ था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल तीन गाने थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट सत्ताईस सेकंड जिसको ऑफिशियली हिट्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया हुआ था तो वहाँ पे आप ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में तीन गानों को सुन सकते हो अब हम बात करें मार्केटिंग के ऊपर फिल्म का जो फोस्ट लुक तो फर्स्ट लुक था मूवी का वो 8 दिसंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था और इसका टीजर पोस्टर आपको देखने को मिला था अप्रैल दो तेज़ में तेईस तारीख को दो में देखने को मिला था अप्रैल महीने में मनोज बाजपेई के बर्थडे के मौके के ऊपर ट्रेलर को ऑफिशियली आठ मई दो को रिलीज़ किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी फिल्म के अगेंस्ट कुछ लीगल नोटिस भी आई थी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ट्रेलर लॉन्च के वक्त लेकिन सभी चीज़ें बाद में सॉर्ट आउट हो चुकी थी और पहले थिएट्रिकल रिलीज के लिए फिल्म को बनाया हुआ था लेकिन बाद में ओटी रिलीज करवाई ओ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिसके बाद इस फिल्म को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज भी दिलवाई गई थी जहां पे इस फिल्म को ओ पे पहले तेईस मई दो को रिलीज किया गया था उसके बाद में दो जून दो को थिएटर में लिमिटेड रिलीज दिलवाई गई थी जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी राइट से वो जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए सैटेलाइट राइट से वो सोनीमेक्स और सोनीमैक्स एच डी वालों ने खरीदे हुए सिर्फ एक बंदा फिल्म को जब रिलीज किया गया ओटीटी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर तब इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला क्रिटिक्स ऑडियंस के चलते जहाँ पे बीस हजार वोट हासिल हुए इस फिल्म को अभी तक आई एम पे जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक अच्छी रेटिंग हासिल की जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में अपना एक जगह बनाई और फिल्म ने एक अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल की हुई थी तो इस फिल्म को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो ज़रूर डेफिनेटली देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइड्स जी फाई के पास है सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी एंटरटेनमेंट के पास है तो ये फिल्म आपको फिलहाल में अगर ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं फिल्म को सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी के ऊपर सिर्फ एक बंदा नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर

जो एक बंदा नाम से भी जानी जाती है इस फिल्म को ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है अपूर्व सिंह कार्की ने वहीं पे इस फिल्म को लिखा हुआ है दीपक किंगरानी ने इसके अलावा जो विनोद भानुशाली है कमलेश भानुशाली विशाल गो गुरनानी विश्वंकर पठानिया जूही प्रकाश मेहता आसिफ शेख और सुपर्णा वर्मा उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म थी पहले इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन इस फिल्म को ओटीटी रिलीज़ दिलवाई गई जहाँ पे इस फिल्म को बाद में ओटीटी पे रिलीज़ करवाया गया और उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में इस फिल्म को लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज दिलवाई हुई थी जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला उसको चलते उसके बाद में इस फिल्म ने बाद में वो एक ओ टी के बाद सैटेलाइट रिलीज ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव पो, रिस्पांस के चलते अच्छी व्यूअरशिप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हासिल की हुई थी अब हम बात कर लेते इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो संगीत सिद्धार्थ रॉय ने इसका म्यूजिक दिया हुआ है जिन्होंने इसमें फिल्म में तीन गाने कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स हिट्स म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी वो अर्जुन कुकर रेती ने किए हुई एडिटिंग वो सुमित कोतिल्न ने किए हुए एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है दो घंटे बारह मिनट लंबी ये फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भानुशाली स्टूडियोज और जी स्टूडियोज़ के द्वारा ही बाद में लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज करवाई गई थी बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर मनोज बाजपेई लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने एडवोकेट पीसी सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म में जो मेन किरदार है मेन प्रोटोगनिस है वो रोल है मनोज बाजपाई ने ही प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इसके सेकंड आर्टिस्ट के बारे में विपिन शर्मा जो एडवोकेट शर्मा के रोल में दिखाई देंगे अधरिंजा सिन्हा ने नू का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या मोहन कुलरेश्ठा ने बाबा जी का रोल प्ले किया हुआ है कोसव सिन्हा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल पांडे आपको अमित निहांग के रोल में दिखाई देंगे प्रियंका सेतिया ने चांचन मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है जय हिंद कुमार ने नू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा शर्मा ने नू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे एडवोकेट पी सोलंकी का जो किरदार है वो सच के साथ खड़ा हुआ है जहाँ पे वो उसको जस्टिस दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे वो एक लड़की को एक रॉन्ग गोडमैन बाबा जी से इन्फ्लुंस हुई लड़की को बचाते हुए उसको जस्टिस दिलवाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे वो बाबा जी को उसका उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे लाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे केस है वो काफी हद तक अलग अलग दिशा में मूव होता हुआ नजर आता है तब किस तरह से वो लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगा वही फिल्म की कहानी बना थी जहाँ पे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज काफ़ी शानदार थी मनोज बाजपेई काफ़ी नेचुरल लग रहे थे उन्होंने अपने रोल में काफ़ी जान फूकी हुए उनके किरदार के थ्रू वो अच्छा पद देते हुए नजर आते उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो इस फिल्म को चला रहे थे अपने कंधे पर वो बढ़िया था विपिन शर्मा अदरेंजर सिन्हा सूर्य मोहन कुलरेस्टा जैसे कई आर्टिस्ट आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे सभी ने काफी बखूबी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की कहानी थी वो काफ़ी बढ़िया थी उसको काफ़ी क्रिस मैनर में मेकर्स ने दिखाया हुआ है डायरेक्टर ने अच्छी तरह से चीजों को डेवलप किया हुआ था स्क्रीन प्ले उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था जिस तरह से चीजों को हमें स्क्रीन प्ले में दिखाते तो हैं नजर आते वो बढ़िया है डायलॉग्स काफी बढ़िया नजर आते हैं अच्छी तरह से डायलॉग को लिखा हुआ था और एक डेफ क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी वहीं पर फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी बढ़िया नजर आती है फिल्म की सीनेमेटोग्राफी काफी अच्छी थी बेसिक चीजों को अच्छी तरह से शोकेस करने की कोशिश की हुई है कोर्टरूम ड्रामा है उसके बावजूद उसमें जो म्यूजिक का तड़का यूज किया हुआ है वो काफी बढ़िया यानी कि म्यूजिक को जिस तरह से यूज किया हुआ था वो काफी बढ़िया चीज को अच्छी उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया था जिस तरह के सीन से उस हिसाब से जा रहे थे एडिटर यानी कि सुमित कोत्या ने बखूबी इस फिल्म को क्रिस्प रखा हुआ है एक मिनट के रन टाइम यान में यानी कि दो घंटे बारह मिनट के रन टाइम में चीजों को काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारे सामने पेश किया हुआ है तो टेक्निकली वेलमेड बनी हुई फिल्म है कहानी अच्छी थी जिसको डायरेक्टर पूर्व सिन्हा कार्की ने डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ था मनोज बाजपाई से लेकर दुर्गा शर्मा तक सभी आर्टिस्ट ने बखूबी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई थी तो ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर नजर आई थी जिसके चलते लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई थी फिल्म की शूटिंग थी वो अक्टूबर नौ दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मनोज बाजपाई ने अनाउंस किया हुआ था कि आ, वो एक ऐसी फिल्म कर करे जिसको उन्होंने साइन किया हुआ है जिसमें ये कहानी देखने को मिलेगी कुछ कोटरूम ड्रामा टाइप ऑफ आपको देखने को मिलेगा फिल्म की शूटिंग मुंबई से की गई थी जहाँ पे दिसंबर 2022 तक मुंबई में पेचवक के साथ फिल्म को रेपअप किया हुआ था म्यूजिक के राइट सीट्स म्यूजिक वालों ने डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे गानों को है वो संग, संगीत सिद्धार्थ तो और रोहित ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल तीन गाने थे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बंदा टाइटल ट्रैक था उसके लिरिक्स से वो समीर अंजान ने लिखा हुआ था इनको ने लिखा हुआ था और जो रेप था वो एनकोर के द्वारा लिखे गए थे वो लिरिक्स वहीं पे गाने वो विवेक हरिहरन रॉय ने गाया हुआ था और एनकोर ने रैप लिखा हुआ था तो उन्होंने गाया हुआ था उसको सहारा तू मेरा करके जो गाना है उसको गरिमा उब्रह ने लिखा हुआ था आशीष कौर और संगीत सिद्धार्थ ने उसको गाया हुआ था बंदे या करके जो गाना था उसको गरिमा ओब्रा और संगीत सहलदीपुर ने लिखा हुआ था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल तीन गाने थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट सत्ताईस सेकंड जिसको ऑफिशियली हिट्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया हुआ था तो वहाँ पे आप ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में तीन गानों को सुन सकते हो अब हम बात करें मार्केटिंग के ऊपर फिल्म का जो फोस्ट लुक तो फर्स्ट लुक था मूवी का वो 8 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था और इसका टीजर पोस्टर आपको देखने को मिला था अप्रैल दो हजार में तेईस तारीख को दो में देखने को मिला था अप्रैल महीने में मनोज बाजपेई के बर्थडे के मौके के ऊपर ट्रेलर को ऑफिशियली आठ मई दो को रिलीज किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी फिल्म के अगेंस्ट कुछ लीगल नोटिस भी आई थी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ट्रेलर लॉन्च के वक्त लेकिन सभी चीजें बाद में शॉर्ट आउट हो चुकी थी और ये पहले थिएट्रिकल रिलीज के लिए फिल्म को बनाया हुआ था लेकिन बाद में ओ रिलीज करवाई ओ टी पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिसके बाद इस फिल्म को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज भी दिलवाई गई थी जहां पर इस फिल्म को ओ टी पे पहले तेईस मई दो को रिलीज किया गया था उसके बाद में दो जून दो को थिएटर में लिमिटेड रिलीज दिलवाई गई थी जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी राइट से वो जी फाइव ओ टी ने खरीदे हुए सैटेलाइट राइट से वो सोनीमैक्स और सोनीमेक्स एच डी वालों ने खरीदे हुए सिर्फ एक बंदा फिल्म को जब रिलीज किया गया ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर तब इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव मिला क्रिटिक्स ऑडियंस चलते रिस्पॉन्सियंस हज़ार वोट हासिल हुए इस फिल्म को अभी तक आई एम टी वी पे जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक अच्छी रेटिंग हासिल की जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में अपना एक जगह बनाई और फिल्म ने एक अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल की हुई थी तो इस फिल्म को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जरूर डेफिनेटली देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट जी फाइव के पास है

जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओ और सैटेलाइट और के ऊपर ऑफिशियली कर पाओगे सिर्फ एक बंदा जो एक बंदा नाम से भी जानी जाती है इस फिल्म को ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है अपूर्व सिंह कार्की ने वहीं पे इस फिल्म को लिखा हुआ है दीपक किंगरानी ने इसके अलावा जो विनोद भानुशाली है कमलेश भानुशाली विशाल गो गुरनानी विश्वंकर पठानिया जूही प्रकाश मेहता आसिफ शेख और सुपर्णा वर्मा उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म थी पहले इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन इस फिल्म को ओटीटी रिलीज़ दिलवाई गई जहाँ पे इस फिल्म को बाद में ओटीटी पे रिलीज़ करवाया गया और उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में इस फिल्म को लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज दिलवाई हुई थी जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला उसको चलते उसके बाद में इस फिल्म ने बाद में वो एक ओ टी के बाद सैटेलाइट रिलीज ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पांस के चलते अच्छी व्यूअरशिप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हासिल की हुई थी अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो संगीत सिद्धार्थ और रोई ने इसका म्यूज़िक दिया हुआ है जिन्होंने इसमें फिल्म में तीन गाने कंपोज किए हुए हैं म्यूज़िक के राइट्स हिट्स म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी वो अर्जुन कुकर रेती ने किए हुई एडिटिंग है वो सुमित कोतिल्लान ने किए हुई एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है दो घंटे बारह मिनट लंबी है फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भानुशाली स्टूडियोज और जी स्टूडियोज़ के द्वारा ही बाद में लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज करवाई गई थी बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर मनोज बाजपेई लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने एडवोकेट पीसी सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म में जो मेन किरदार है मेन प्रोटोगनिस है वो रोल है मनोज बाजपेई ने ही प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इसके सेकंड आर्टिस्ट के बारे में विपिन शर्मा जो एडवोकेट शर्मा के रोल में दिखाई देंगे अधरिंजा सिन्हा ने नू का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या मोहन कुलरिष्टा ने बाबा जी का रोल प्ले किया हुआ है कोत सन्हा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल पांडे आपको अमित निहांग के रोल में दिखाई देंगे प्रियंका सेतिया ने चांचन का, मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है जय हिंद कुमार ने नू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा शर्मा ने नू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे एडवोकेट पीसी सोलंकी का जो किरदार है वो सच के साथ खड़ा हुआ है जहाँ पे वो उसको जस्टिस दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे वो लड़की को एक रॉन्ग गोडमैन बाबा जी से इन्फ्लुएंस हुई लड़की को बचाते हुए उसको जस्टिस दिलवाने की कोशिश कर रहा है वहीं पर वो बाबा जी को आ, उसका उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे लाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे केस है वो काफ़ी हद तक अलग अलग दिशा में मुंह होता हुआ नजर आता है तब तो किस तरह से वो लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी शानदार थी मनोज बाजपेयी काफ़ी नेचुरल लग रहे थे उन्होंने अपने रोल में काफ़ी जान फूकी हुए उनके किरदार के थ्रू वो अच्छा वापत देते हुए नजर आते उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो इस फिल्म को चला रहे थे अपने कंधे पर वो था विपिन शर्मा अदरिंजर सिन्हा सूर्य मोहन कुलरेस्टा जैसे कई आर्टिस्ट आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे सभी ने काफी बखूबी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की कहानी थी वो काफी बढ़िया थी उसको काफी क्रिस्ट मैनर में, में ने दिखाया हुआ है डायरेक्टर ने अच्छी तरह से चीजों को डेवलप किया हुआ था स्क्रीन प्ले उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था जिस तरह से चीजों को हमें स्क्रीन प्ले में दिखाते हैं नजर आते वो बढ़िया है डायलॉग्स काफी बढ़िया नजर आते अच्छी तरह से डायलॉग को लिखा हुआ था और एक डेफ क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी वहीं पर इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन

टेक्निकली वेलमेड बनी हुई फिल्म है कहानी अच्छी थी जिसको डायरेक्टर अपूर्व सिन्हा कार्कि ने डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ था मनोज बाजपाई से लेकर दुर्गा शर्मा तक सभी आर्टिस्ट ने बखूबी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई थी तो ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर नजर आई थी जिसके चलते लोगों को ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी फिल्म की शूटिंग थी वो अक्टूबर नौ दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मनोज बाजपाई ने अनाउंस किया हुआ था कि आ, वो एक ऐसी फिल्म कर रहे जिसको उन्होंने साइन किया हुआ है जिसमें ये कहानी देखने को मिलेगी कुछ कोटरूम ड्रामा टाइप ऑफ आपको देखने को मिलेगा फिल्म

वहीं पे गाने वो विवेक हरिहरन रॉय ने गाया हुआ था और एनकोर ने रैप लिखा हुआ था तो उन्होंने ही गाया हुआ था उसको सहारा तू मेरा करके जो गाना है उसको गरिमा ओब्रहम ने लिखा हुआ था आशीष कौर और संगीत सिद्धार्थ ने उसको गाया हुआ था बंदे बंदेया करके जो गाना था उसको गरिमा ओब्राय और संगीत हल्दीपुर ने लिखा हुआ था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था तो ये तो टोटल तीन गाने थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट सत्ताईस सेकंड जिसको ऑफिशियली हिट्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया हुआ था तो वहाँ पे आप ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में इन तीन गानों को सुन सकते हो अब हम बात करें मार्केटिंग के ऊपर फिल्म का जो फोस्ट लुक तो फर्स्ट लुक था मूवी का वो 8 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था और इसका टीजर पोस्टर आपको देखने को मिला था अप्रैल दो तेज़ में तेईस तारीख को दो में देखने को मिला था अप्रैल महीने में मनोज बाजपेई के बर्थडे के मौके के ऊपर ट्रेलर को ऑफिशियली आठ मई दो को रिलीज किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी फिल्म के अगेंस्ट कुछ लीगल नोटिस भी आई थी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ट्रेलर लॉन्च के वक्त लेकिन सभी चीज़ें बाद में शॉर्ट आउट हो चुकी थी और ये पहले थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए फिल्म को बनाया हुआ था लेकिन बाद में ओ रिलीज करवाई ओ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिसके बाद इस फिल्म को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज भी दिलवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म को ओ पे पहले तेईस मई दो को रिलीज, को रिलीज किया गया था उसके बाद में दो जून दो को थिएटर में लिमिटेड रिलीज दिलवाई गई थी जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी राइट से वो जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए सेटेलाइट राइट से वो सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच वालों ने खरीदे हुए सिर्फ एक बंदा फिल्म को जब रिलीज किया गया ओ टी फी फाइ के ऊपर तब इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉस मिला क्रिटिक्स ऑडियंस के चलते जहाँ पे बीस हज़ार वोट हासिल हुए इस फिल्म को अभी तक आई एम टी वी पे जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक अच्छी रेटिंग हासिल की जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में अपना एक जगह बनाई और फिल्म ने एक अच्छी खासी व्यवस्रशिप हासिल की हुई थी तो इस फिल्म को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जरूर डेफिनेटली देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइड जी फाइव के पास है सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी एंटरटेनमेंट के पास है तो फिल्म फिल्म आपको फिलहाल में अगर ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं फिल्म को सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी के ऊपर सिर्फ एक बंदा नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिर्फ एक बंदा काफी है इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाई के ऊपर आप ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक बंदा काफी है नाम से इंजॉय कर सकते हो वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओटीटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सिर्फ एक बंदा जो एक बंदा नाम से भी जानी जाती है इस फिल्म को ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है अपूर्व सिंह कारकिने वहीं पे इस फिल्म को लिखा हुआ है दीपक किंगरानी ने इसके अलावा जो विनोद भानुशाली है कमलेश भानुशाली विशाल गो गु, गुरनानी विश्वंकर पठानिया जूही प्रकाश मेहता आसिफ शेख और सुपर्णा वर्मा उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म थी पहले इस फिल्म को थिएटरिकली रिलीज करने वाले थे लेटर ऑन इस फिल्म को ओटीटी रिलीज दिलवाई गई जहाँ पे इस फिल्म को बाद में ओ टी पे रिलीज़ करवाया गया और उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में इस फिल्म को लेटर ऑन से थिएटिकल रिलीज़ दिलवाई हुई थी जिस तरह का रिस्पांस मिला उसको चलते उसके बाद में इस फिल्म ने बाद में वो एक ओटीटी टी टी से बाद सैटेलाइट रिलीज ली हुई थी जहां पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके चलते फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते अच्छी व्यूअरशिप ओ टी के ऊपर हासिल की हुई थी अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो संगीत सिद्धार्थ और रोई ने इसका म्यूजिक दिया हुआ है जिन्होंने इसमें फिल्म में तीन गाने कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट्स हिट्स म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी वो अर्जुन कुकर रेती ने की हुई एडिटिंग है वो सुमित कौलियान ने की हुई एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है दो घंटे बारह मिनट लंबी ये फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भानुशाली स्टूडियोज और जी स्टूडियोज़ के द्वारा ही बाद में लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज करवाई गई थी बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर मनोज बाजपेयी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने एडवोकेट पीसी सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म में जो मेन किरदार है मेन प्रोटोगन है वो रोल है मनोज बाजपेई ने ही प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इसके सेकंड आर्टिस्ट के बारे में विपिन शर्मा जो एडवोकेट शर्मा के रोल में दिखाई देंगे अदरिंजा सिन्हा ने नू का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या मोहन ने बाबा जी का रोल प्ले किया हुआ है कोसा सिन्हा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल पांडे आपको अमित निहांग के रोल में दिखाई देंगे प्रियंका सेतिया ने का मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है जय हिंद कुमार ने नू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा शर्मा ने नू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है ये तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे एडवोकेट पीसी सोलंकी का जो किरदार है वो सच के साथ खड़ा हुआ है जहाँ पे वो उसको जस्टिस दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे वो लड़की को एक रॉन्ग गोडमैन बाबा जी से इंफ्लुंस हुई लड़की को बचाते हुए उसको जस्टिस दिलवाने की कोशिश कर रहा है वहीं पे वो बाबा जी को उसका उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे लाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे केस है वो काफी हद तक अलग अलग दिशा में मुंह होता हुआ नजर आता है तब किस तरह से वो लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगा वही फिल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफी शानदार थी मनोज बाजपेई काफ़ी नेचुरल लग रहे थे उन्होंने अपने रोल में काफी जान फूकी हुए उनके किरदार के थ्रू वो अच्छा पद देते हुए नजर आते उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो इस फिल्म को चला रहे थे अपने कंधे पे वो बढ़िया था विपिन शर्मा अदरेंजर सिन्हा सूर्य मोहन कुलरेस्टा जैसे कई आर्टिस्ट आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे सभी ने काफी बखूबी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की कहानी थी वो काफी बढ़िया थी उसको काफी क्रिस मैनर में मेकर्स ने दिखाया हुआ है डायरेक्टर ने अच्छी से चीज़ों को डेवलप किया हुआ था स्क्रीन प्ले उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था जिस तरह से चीज़ों को हमें स्क्रीन प्ले में दिखाते तो हैं नजर आते वो बढ़िया है डायलॉग्स काफी बढ़िया नज़र आते हैं अच्छी तरह से डायलॉग को लिखा हुआ था और एक डेफ्थ क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी वहीं पर इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन भी काफ़ी बढ़िया नजर आती है फिल्म की सीनेमाटोग्राफी काफी अच्छी थी बेसिक चीजों को अच्छी तरह से सोकेस करने की कोशिश की हुई है कोटरूम ड्रामा है उसके बावजूद उसमें जो म्यूजिक का तड़का यूज़ किया हुआ वो काफी बढ़िया यानी कि म्यूजिक को जिस तरह से यूज़ किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया चीज़ों को अच्छी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया था जिस तरह के सीन से उस हिसाब से जा रहे थे एडिटर यानी कि सुमित कोतिया ने बखूबी इस फिल्म को क्रिस्प रखा हुआ है 132 मिनट के रन टाइम में यानी कि दो घंटे 12 मिनट के रन टाइम में चीजों को काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारे सामने पेश किया हुआ है तो टेक्निकली वेल मेड बनी हुई फिल्म है कहानी अच्छी थी जिसको डायरेक्टर अपूर्व सिन्हा कार्की ने डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ था मनोज बाजपाई से लेकर दुर्गा शर्मा तक सभी आर्टिस्ट ने बखूबी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई थी तो ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे नजर आई थी जिसके चलते लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई थी फिल्म की शूटिंग थी वो अक्टूबर नौ दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मनोज बाजपाई ने अनाउंस किया हुआ था कि आ, वो एक ऐसी फिल्म कर करे जिसको उन्होंने साइन किया हुआ है जिसमें ये कहानी देखने को मिलेगी कुछ कोटरूम ड्रामा टाइप ऑफ आपको देखने को मिलेगा फिल्म की शूटिंग मुंबई से की गई थी जहाँ पे दिसंबर 2022 तक मुंबई में पेचवक के साथ फिल्म को रेप अप किया हुआ था म्यूजिक के राइट सीट्स म्यूजिक वालों ने डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे गानों को है। वो संग, संगीत सिद्धार्थ और रोहित ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल तीन गाने थे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बंदा टाइटल ट्रैक था उसके लिरिक्स वो समीर अंजान ने लिखा हुआ था इनकोर ने लिखा हुआ था और जो रेप था वो कौर के द्वारा लिखे गए थे वो लिरिक्स वहीं पर गाने वो विवेक हरिहरन रॉय ने गाया हुआ था और एनकोर ने रैप लिखा हुआ था तो उन्होंने ही गाया हुआ था उसको सहारा तू मेरा करके जो गाना है उसको गरिमा ओब्रहम ने लिखा हुआ था आशीष कौर और संगीत सिद्धार्थ ने उसको गाया हुआ था बंदे या करके जो गाना था उसको गरिमा ओब्रे और संगीत हल्दीपुर ने लिखा हुआ था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल तीन गाने थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट सत्ताईस सेकंड जिसको ऑफिशियली हिट्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया हुआ था तो वहाँ पे आप ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में इन तीन गानों को सुन सकते हो अब हम बात करें मार्केटिंग के ऊपर फिल्म का जो फोस्ट लुक तो फर्स्ट लुक था मूवी का वो 8 दिसंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था और इसका टीजर पोस्टर आपको देखने को मिला था अप्रैल 2023 में 23 तारीख को 2023 में देखने को मिला था अप्रैल महीने में मनोज बाजपेई के बर्थडे के मौके के ऊपर ट्रेलर को ऑफिशियली आठ मई दो को रिलीज़ किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी फिल्म के अगेंस्ट कुछ लीगल नोटिस भी आई थी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ट्रेलर लॉन्च के वक्त लेकिन सभी चीज़ें बाद में शॉट आउट हो चुकी थी और ये पहले थिएट्रिकल रिलीज के लिए फिल्म को बनाया हुआ था लेकिन बाद में ओटीटी रिलीज करवाई ओटीटी पे अच्छा रिस्पांस मिला जिसके बाद इस फिल्म को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज भी दिलवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म को ओटीटी पे पहले पे 23 मई 2023 को, को रिलीज किया गया था उसके बाद में 2 जून 2023 को थिएटर में लिमिटेड रिलीज दिलवाई गई थी जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी राइट से वो जी फाई ओ प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए सेटेलाइट राइट से वो सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच वालों ने खरीदे हुए सिर्फ एक बंदा फिल्म को जब रिलीज किया गया ओ टी फिल्म जी फाइव के ऊपर तब इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला क्रिटिक्स ऑडियंस के चलते जहाँ पे बीस हज़ार वोट हासिल हुए इस फिल्म को अभी तक आई एम पे जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक अच्छी रेटिंग हासिल की जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में अपना एक जगह बनाई और फिल्म ने एक अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल की हुई थी तो इस फिल्म को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जरूर डेफिनेटली देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइड्स जी के पास है सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी एंटरटेनमेंट के पास है तो ये फिल्म आपको फिलहाल में अगर ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं फिल्म को सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स ए के ऊपर सिर्फ एक बंदा नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर

जो एक बंदा नाम से भी जानी जाती है इस फिल्म को ये एक की इंडियन हिंदी लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है अपूर्व सिंह कार्की ने वहीं पे इस फिल्म को लिखा हुआ है दीपक किंगरानी ने इसके अलावा जो विनोद भानुशाली है कमलेश भानुशाली विशाल गुरनानी विश्वंकर पठानिया जूही प्रकाश मेहता आसिफ शेख और सुपर्णा वर्मा उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म थी पहले इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन इस फिल्म को ओ रिलीज़ दिलवाई गई जहाँ पे इस फिल्म को बाद में ओ टी पे रिलीज़ करवाया गया और उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में इस फिल्म को लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज़ दिलवाई हुई थी जिस तरह का रिस्पांस मिला उसको चलते उसके बाद में इस फिल्म ने बाद में वो एक ओ के बाद सैटेलाइट रिलीज ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पांस के चलते अच्छी व्यूअरशिप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हासिल की हुई थी अब हम बात कर लेते इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो संगीत सिद्धार्थ रोई ने इसका म्यूजिक दिया हुआ है जिन्होंने इसमें फिल्म में तीन गाने कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स हिट्स म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी वो अर्जुन कुकर रेती ने किए हुई एडिटिंग है वो सुमित कोतिल्न ने की हुए एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है दो घंटे बारह मिनट लंबी यह फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भानुशाल स्टूडियोज और स्टूडियोज़ के द्वारा ही बाद में लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज करवाई गई थी बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर मनोज बाजपेयी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने एडवोकेट पीसी सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म में जो मेन किरदार है मेन प्रोटोगनिस है वो रोल है मनोज बाजपेई ने ही प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इसके सेकंड आर्टिस्ट के बारे में विपिन शर्मा जो एडवोकेट शर्मा के रोल में दिखाई देंगे अधरिंजा सिन्हा ने नू का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या मोहन कुलरेष्टा ने बाबा जी का रोल प्ले किया हुआ है कौस्व सिन्हा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल पांडे आपको अमित निहांग के रोल में दिखाई देंगे प्रियंका सेतिया ने चांचन मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है जय हिंद कुमार ने नू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा शर्मा ने नू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे एडवोकेट पीसी सोलंकी का जो किरदार है वो सच के साथ खड़ा हुआ है जहाँ पे वो उसको जस्टिस दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे वो एक लड़की को एक रॉन्ग गोडमैन बाबा जी से इन्फ्लुएंस हुई लड़की को बचाते हुए उसको जस्टिस दिलवाने की कोशिश कर रहा है वहीं पर वो बाबा जी को आ, उसका उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे लाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे केस है वो काफी हद तक अलग अलग दिशा में मूव होता हुआ नजर आता है तब किस तरह से वो लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगा वही फिल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी शानदार थी मनोज बाजपेई काफ़ी नेचुरल लग रहे थे उन्होंने अपने रोल में काफ़ी जान फूकी हुए उनके किरदार के थ्रू वो अच्छा पोध देते हुए नजर आते उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो इस फिल्म को चला रहे थे अपने कंधे पर वो बढ़िया था विपिन शर्मा अधरेंजर सिन्हा सूर्य मोहन कुलरेस्टा जैसे कई आर्टिस्ट आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे सभी ने काफ़ी बखूबी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की कहानी थी वो काफ़ी बढ़िया थी उसको काफ़ी क्रिस मैनर में मेकर्स ने दिखाया डायरेक्टर ने अच्छी तरह से चीजों को डेवलप किया हुआ था स्क्रीन प्ले उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था जिस तरह से चीजों को हमें स्क्रीन प्ले में दिखाते तो हैं नजर आते वो बढ़िया है डायलॉग्स काफी बढ़िया नजर आते हैं अच्छी तरह से डायलॉग को लिखा हुआ था और एक डेफ क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी वहीं पर फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी बढ़िया नजर आती है फिल्म की सीनेमेटोग्राफी काफी अच्छी थी बेसिक चीजों को अच्छी तरह से शोकेस करने की कोशिश की हुई है कोर्टरूम ड्रामा है उसके बावजूद उसमें जो म्यूजिक का तड़का यूज किया हुआ है वो काफी बढ़िया यानी कि म्यूजिक को जिस तरह से यूज किया हुआ था वो काफी बढ़िया चीज को अच्छी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया था जिस तरह के सीन्स से उस हिसाब से जा रहे थे एडिटर यानी कि सुमित कोत्या ने बखूबी इस फिल्म को क्रिस्प रखा हुआ है एक मिनट के रन टाइम में यानी कि दो घंटे बारह मिनट के रन टाइम में चीजों को काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारे सामने पेश किया हुआ है तो टेक्निकली वेलमेड बनी हुई फिल्म है कहानी अच्छी थी जिसको डायरेक्टर अपूर्व सिन्हा कार्की ने डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ था मनोज बाजपाई से लेकर दुर्गा शर्मा तक सभी आर्टिस्ट ने बखूबी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई थी तो ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे नजर आई थी जिसके चलते लोगों को ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी फिल्म की शूटिंग थी वो अक्टूबर नौ दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मनोज बाजपाई ने अनाउंस किया हुआ था कि आ, वो एक ऐसी फिल्म करे जिसको उन्होंने साइन किया हुआ है जिसमें ये कहानी देखने को मिलेगी कुछ कोटरूम ड्रामा टाइप ऑफ आप आपको देखने को मिलेगा फिल्म की शूटिंग मुंबई से की गई थी जहाँ पे दिसंबर 2022 तक मुंबई में पेचवर्क के साथ फिल्म को रेपअप किया हुआ था म्यूजिक के राइट सीट्स म्यूजिक वालों ने डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे गानों को है। वो संग, संगीत सिद्धार्थ तो और रॉय ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल तीन गाने थे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बंदा टाइटल ट्रैक था उसके लिरिक्स है वो समीर अंजान ने लिखा हुआ था इनकोर ने लिखा हुआ था और जो रेप था वो एनकोर के द्वारा लिखे गए थे वो लिरिक्स वहीं पे गाने वो विवेक हरिहरन रॉय ने गाया हुआ था और एनकोर ने रेप लिखा हुआ था तो उन्होंने गाया हुआ था उसको सहारा तू मेरा करके जो गाना है उसको गरिमा ओब्रहम ने लिखा हुआ था आशीष कौर और संगीत सिद्धार्थ ने उसको गाया हुआ था बंदे या करके जो गाना था उसको गरिमा ओब्रे और संगीत हल्दीपुर ने लिखा हुआ था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल तीन गाने थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट सत्ताईस सेकंड जिसको ऑफिशियली हिट्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया हुआ था तो वहाँ पर आप ऑफिशियली वीडियो फॉर्मेट में इन तीन गानों को सुन सकते हो अब हम बात करें मार्केटिंग के ऊपर फिल्म का जो पोस्ट लुक तो फर्स्ट लुक था मूवी का वो 8 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था और इसका टीजर पोस्टर आपको देखने को मिला था अप्रैल 2023 में 23 तारीख को 2023 में देखने को मिला था अप्रैल महीने में मनोज बाजपेयी के बर्थडे के मौके के ऊपर ट्रेलर को ऑफिशियली आठ मई दो को रिलीज किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी फिल्म के अगेंस्ट कुछ लीगल नोटिस भी आई थी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ट्रेलर लॉन्च के वक्त लेकिन सभी चीजें बाद में शॉर्ट आउट हो चुकी थी और यह पहले थिएट्रिकल रिलीज के लिए फिल्म को बनाया हुआ था लेकिन बाद में ओ रिलीज करवाई ओ टी पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिसके बाद इस फिल्म को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज भी दिलवाई गई थी जहां पर इस फिल्म को ओ टी पे पहले तेईस मई दो को रिलीज किया गया था उसके बाद में दो जून दो को थिएटर में लिमिटेड रिलीज दिलवाई गई थी जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी राइट से वो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए सैटेलाइट राइट से वो सोनीमैक्स और सोनीमैक्स एच डी वालों ने खरीदे हुए हुए। सिर्फ एक बंदा फिल्म को जब रिलीज किया गया ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर तब इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला क्रिटिक्स ऑडियंस के चलते जहां पे बीस हज़ार वोट हासिल हुए इस फिल्म को अभी तक आई एम टी वी पे जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक अच्छी रेटिंग हासिल की जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में अपना एक जगह बनाई और फिल्म ने एक अच्छी खासी व्यवस्थिप हासिल की हुई थी तो इस फिल्म को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जरूर डेफिनेटली देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट जी फाइव के पास है

इसके अलावा जो विनोद भानुशाली है कमलेश भानुशाली विशाल गुरनानी विश्वंकर पठानिया जूही प्रकाश मेहता आसिफ शेख और सुपर्णा वर्मा उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म थी पहले इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन इस फिल्म को ओ रिलीज़ दिलवाई गई जहाँ पे इस फिल्म को बाद में ओ पे रिलीज़ करवाया गया और उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में इस फिल्म को लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज़ दिलवाई हुई थी जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला उसको चलते उसके बाद में इस फिल्म ने बाद में वो एक ओ के बाद सैटेलाइट रिलीज ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके चलते फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पांस के चलते अच्छी व्यूअरशिप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हासिल की हुई थी अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो संगीत सिद्धार्थ और रोई ने इसका म्यूज़िक दिया हुआ है जिन्होंने इसमें फिल्म में तीन गाने कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स हिट्स म्यूज़िक के पास है वहीं पे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी वो अर्जुन कुकर रेती ने की हुई एडिटिंग है वो सुमित कोतिलियन ने किए हुए एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है दो घंटे बारह मिनट लंबी है फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भानुशाली स्टूडियोज और जी स्टूडियोज़ के द्वारा ही बाद में लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज करवाई गई थी बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर मनोज बाजपाई लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने एडवोकेट पीसी सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म में जो मेन किरदार है मेन प्रोटोगनिस है वो रोल है मनोज बाजपेई ने ही प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इसके सेकंड आर्टिस्ट के बारे में विपिन शर्मा जो एडवोकेट शर्मा के रोल में दिखाई देंगे अधरिंजा सिन्हा ने नू का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या मोहन कुलरेष्टा ने बाबा जी का रोल प्ले किया हुआ है कोसव सिन्हा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल पांडे आपको अमित निहांग के रोल में दिखाई देंगे प्रियंका सेतिया ने चाचन मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है जय हिंद कुमार ने नू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा शर्मा ने नू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे एडवोकेट पीसी सोलंकी का जो किरदार है वो सच के साथ खड़ा हुआ है जहाँ पे वो उसको जस्टिस दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे वो एक लड़की को एक रॉन्ग गोडमैन बाबा जी से इन्फ्लुएंस हुई लड़की को बचाते हुए उसको जस्टिस दिलवाने की कोशिश कर रहा है वहीं पर वो बाबा जी को आ, उसका उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे लाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे केस है वो काफ़ी हद तक अलग अलग दिशा में मूव होता हुआ नजर आता है तब तो किस तरह से वो लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी शानदार थी मनोज बाजपेयी काफ़ी नेचुरल लग रहे थे उन्होंने अपने रोल में काफ़ी जान फूकी हुए उनके किरदार के थ्रू वो अच्छा अप्रोध देते हुए नजर आते उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो इस फिल्म को चला रहे थे अपने कंधे पर वो बढ़िया था विपिन शर्मा अधरेंजर सिन्हा सूर्य मोहन कुलरेस्टा जैसे कई आर्टिस्ट आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे सभी ने काफी बखूबी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की कहानी थी वो काफी बढ़िया थी उसको काफी क्रिस मैनर में मेकर्स ने दिखाया हुआ है डायरेक्टर ने अच्छी तरह से चीज़ों को डेवलप किया हुआ था स्क्रीन प्ले उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था जिस तरह से चीज़ों को हमें स्क्रीन प्ले में दिखाते हुए नज़र आते वो बढ़िया है डायलॉग्स काफी बढ़िया नज़र आते अच्छी तरह से डायलॉग को लिखा हुआ था और एक डेफ क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी वहीं पर इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन

टेक्निकली वेलमेड well बनी हुई फिल्म है कहानी अच्छी थी जिसको डायरेक्टर अपूर्व सिन्हा कार्कि ने डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ था मनोज बाजपाई से लेकर दुर्गा शर्मा तक सभी आर्टिस्ट ने बखूबी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई थी तो ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे नजर आई थी जिसके चलते लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई थी फिल्म की शूटिंग थी वो अक्टूबर नौ दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मनोज बाजपाई ने अनाउंस किया हुआ था कि आ, वो एक ऐसी फिल्म करे जिसको उन्होंने साइन किया हुआ है जिसमें ये कहानी देखने को मिलेगी कुछ कोटरूम ड्रामा टाइप ऑफ आपको देखने को मिलेगा फिल्म की शूटिंग मुंबई से की गई थी जहाँ पे दिसंबर 2022 तक मुंबई में पेचवक के साथ फिल्म को अप किया हुआ था म्यूजिक म्यूजिक के वालों ने डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे गानों को है, वो सं, संगीत सिद्धार्थ और रोहित ने कम्पोज किया हुआ था फिल्म में टोटल तीन गाने थे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बंदा टाइटल ट्रैक था उसके लिरिक्स से वो समीर अंजान ने लिखा हुआ था इनकोर ने लिखा हुआ था और जो रेप था वो इनकोर के द्वारा लिखे गए थे वो लिरिक्स वहीं पे गाने वो विवेक हरिहरन रॉय ने गाया हुआ था और एनकोर ने रैप लिखा हुआ था तो उन्होंने ही गाया हुआ था उसको सहारा तू मेरा करके जो गाना है उसको गरिमा ओब्रहम ने लिखा हुआ था आशीष कौर और संगीत सिद्धार्थ ने उसको गाया हुआ था बंदे या करके जो गाना था उसको गरिमा ओब्रा और संगीत सहलदीपुर ने लिखा हुआ था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल तीन गाने थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट सत्ताईस सेकंड जिसको ऑफिशियली हिट्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया हुआ था तो वहाँ पर आप ऑफिशियली वीडियो फॉर्मेट में इन तीन गानों को सुन सकते हो अब हम बात करें मार्केटिंग के ऊपर फिल्म का जो फोस्ट लुक तो फर्स्ट लुक था मूवी का वो 8 दिसंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था और इसका टीजर पोस्टर आपको देखने को मिला था अप्रैल दो हज़ार में तेईस तारीख को दो में देखने को मिला था अप्रैल महीने में मनोज बाजपेयी के बर्थडे के मौके के ऊपर ट्रेलर को ऑफिशियली आठ मई दो को रिलीज़ किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी फिल्म के अगेंस्ट कुछ लीगल नोटिस भी आई थी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ट्रेलर लॉन्च के वक्त लेकिन सभी चीज़ें बाद में शॉर्ट आउट हो चुकी थी और ये पहले थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए फिल्म को बनाया हुआ था लेकिन बाद में ओटीटी रिलीज करवाई ओटीटी पे अच्छा रिस्पांस मिला जिसके बाद इस फिल्म को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज भी दिलवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म को ओटीटी पे पहले पे 23 मई 2023 को रिलीज, को रिलीज किया गया था उसके बाद में 2 जून 2023 को थिएटर में लिमिटेड रिलीज दिलवाई गई थी जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी राइट से वो जी फाइव ओ ने खरीदे हुए सेटेलाइट राइट से वो सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच वालों ने खरीदे हुए सिर्फ एक बंदा फिल्म को जब रिलीज़ किया गया ओ टी फॉर्म जी फाइ के ऊपर तब इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला क्रिटिक्स ऑडियंस के चलते जहाँ पे बीस हज़ार वोट हासिल हुए इस फिल्म को अभी तक आई एम डी वी पे जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक अच्छी रेटिंग हासिल की जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में अपना एक जगह बनाई और फिल्म ने एक अच्छी खासी व्यवस्थिप हासिल की हुई थी तो इस फिल्म को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जरूर डेफिनेटली देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइड्स जी फाइव के पास है सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी एंटरटेनमेंट के पास है तो ये फिल्म फिल्म आपको फिलहाल में अगर ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं फिल्म को सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स के ऊपर सिर्फ एक बंदा नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिर्फ एक बंदा काफी है इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जी फाई के ऊपर आप ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक बंदा काफी है नाम से इंजॉय कर सकते हो वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सिर्फ एक बंदा जो एक बंदा नाम से भी जानी जाती है इस फिल्म को ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है अपूर्व सिंह कारकिने वहीं पे इस फिल्म को लिखा हुआ है दीपक किंगरानी ने इसके अलावा जो विनोद भानुशाली है कमलेश भानुशाली विशाल गुरनानी विश्वंकर पठानिया जूही प्रकाश मेहता आसिफ शेख और सुपर्णा वर्मा उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म थी पहले इस फिल्म को थिएटरिकली रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन इस फिल्म को ओटीटी रिलीज दिलवाई गई जहाँ पे इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे रिलीज़ करवाया गया और उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में इस फिल्म को लेटर ऑन से थिएट्रिकल रिलीज़ दिलवाई हुई थी जिस तरह का रिस्पांस मिला उसको चलते उसके बाद में इस फिल्म ने बाद में वो एक ओटीटी टी टी से वो, के बाद सैटेलाइट रिलीज ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते अच्छी व्यूअरशिप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हासिल की हुई थी अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो संगीत सिद्धार्थ रॉय ने इसका म्यूजिक दिया हुआ है जिन्होंने इसमें फिल्म में तीन गाने कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट्स हिट्स म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी वो अर्जुन कुकर रेती ने की हुई एडिटिंग वो सुमित कोतिल्न ने की हुई एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है दो घंटे बारह मिनट लंबी है फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भानुशाली स्टूडियोज और जी स्टूडियोज़ के द्वारा ही बाद में लेटर ऑन थिएटरकल रिलीज करवाई गई थी बात करें इस फिल्म की के कास्टिंग के ऊपर मनोज बाजपाई लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने एडवोकेट पीसी सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म में जो मेन किरदार है मेन है वो रोल है मनोज बाजपेयी ने ही प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इसके सेकंड आर्टिस्ट के बारे में विपिन शर्मा जो एडवोकेट शर्मा के रोल में दिखाई देंगे अधरिंजा सिन्हा ने नू का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या मोहन कुलरेष्टा ने बाबा जी का रोल प्ले किया हुआ है कोसव सिन्हा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल पांडे आपको अमित निहांग के रोल में दिखाई देंगे प्रियंका सेतिया ने चाचन मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है जय हिंद कुमार ने नू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा शर्मा ने नू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहां पे एडवोकेट पीसी सोलंकी का जो किरदार है वो सच के साथ खड़ा हुआ है जहां पे वो उसको जस्टिस दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे वो लड़की को एक रॉन्ग गोडमैन बाबा जी से इन्फ्लुंस हुई लड़की को बचाते हुए उसको जस्टिस दिलवाने की कोशिश कर रहा है वहीं पे वो बाबा जी को उसका उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे लाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे केस है वो काफी हद तक अलग अलग दिशा में मुंह होता हुआ नजर आता है तब किस तरह से वो लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगा वही फिल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी शानदार थी मनोज बाजपेयी काफ़ी नेचुरल लग रहे थे उन्होंने अपने रोल में काफ़ी जान फूकी हुए उनके किरदार के थ्रू वो अच्छा पद देते हुए नजर आते उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो इस फिल्म को चला रहे थे अपने कंधे पे वो बढ़िया था विपिन शर्मा अधरेंजर सिन्हा सूर्य मोहन कुलरेस्टा जैसे कई आर्टिस्ट आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे सभी ने काफी बखूबी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की कहानी थी वो काफी बढ़िया थी उसको काफ़ी मैनर में मेकर्स ने दिखाया हुआ है डायरेक्टर ने अच्छी तरह से चीज़ों को डेवलप किया हुआ था स्क्रीन प्ले उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था जिस तरह से चीज़ों को हमें स्क्रीन प्ले में दिखाते तो हैं नज़र आते वो बढ़िया है डायलॉग्स काफी बढ़िया नज़र आते अच्छी तरह से डायलॉग को लिखा हुआ था और एक डेफ क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी वहीं पर इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन भी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है फिल्म की सीनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी थी बेसिक चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस करने की कोशिश की हुई है कोर्टरूम ड्रामा है उसके बावजूद उसमें जो म्यूजिक का तड़का यूज़ किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया यानी कि म्यूजिक को जिस तरह से यूज़ किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया चीज़ों को अच्छी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया था जिस तरह के सीन से उस हिसाब से जा रहे थे एडिटर यानी कि सुमित कोतिया ने बखूबी इस फिल्म को क्रिस्प रखा हुआ है 132 मिनट के रन टाइम में यानी कि दो घंटे 12 मिनट के रन टाइम में चीजों को काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारे सामने पेश किया हुआ है तो टेक्निकली वेल मेड बनी हुई फिल्म है कहानी अच्छी थी जिसको डायरेक्टर पुरव सिन्हा कार्की ने डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ था मनोज बाजपाई से लेकर दुर्गा शर्मा तक सभी आर्टिस्ट ने बखूबी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई थी तो ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे नजर आई थी जिसके चलते लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई थी फिल्म की शूटिंग थी वो अक्टूबर नौ दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मनोज बाजपाई ने अनाउंस किया हुआ था कि आ, वो एक ऐसी फिल्म कर करे जिसको उन्होंने साइन किया हुआ है जिसमें ये कहानी देखने को मिलेगी कुछ कोटरूम ड्रामा टाइप ऑफ आपको देखने को मिलेगा फिल्म की शूटिंग मुंबई से की गई थी जहां पे दिसंबर 2022 तक मुंबई में पेचवक के साथ फिल्म को रेप अप किया हुआ था म्यूजिक के राइट सीट्स म्यूजिक वालों ने डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे गानों को है, वो संग, संगीत सिद्धार्थ और रॉय ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल तीन गाने थे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बंदा टाइटल ट्रैक था उसके लिरिक्स वो समीर रंजान ने लिखा हुआ था इनकोर ने लिखा हुआ था और जो रेप था, वो के द्वारा लिखे गए थे वो लिरिक्स वहीं पर गाने वो विवेक हरिहरन रॉय ने गाया हुआ था और एनकोर ने रेप लिखा हुआ था तो उन्होंने गाया हुआ था उसको सहारा तू मेरा करके जो गाना है उसको गरिमा ओब्राहम ने लिखा हुआ था आशीष कौर और संगीत सिद्धार्थ ने उसको गाया हुआ था बंदे या करके जो गाना था उसको गरिमा ओब्रे और संगीत हल्दीपुर ने लिखा हुआ था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल तीन गाने थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट सत्ताईस सेकंड जिसको ऑफिशियली हिट्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज किया हुआ था तो वहाँ पर आप ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में इन तीन गानों को सुन सकते हो अब हम बात करें मार्केटिंग के ऊपर फिल्म का जो फोस्ट लुक तो फर्स्ट लुक था मूवी का वो 8 दिसंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था और इसका टीजर पोस्टर आपको देखने को मिला था अप्रैल दो तेज़ में तेईस तारीख को दो में देखने को मिला था अप्रैल महीने में मनोज बाजपेयी के बर्थडे के मौके के ऊपर ट्रेलर को ऑफिशियली आठ मई दो को रिलीज़ किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी फिल्म के अगेंस्ट कुछ लीगल नोटिस भी आई थी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ट्रेलर लॉन्च के वक्त लेकिन सभी चीज़ें बाद में शॉर्ट आउट हो चुकी थी और और ये पहले थिएट्रिकल रिलीज के लिए फिल्म को बनाया हुआ था लेकिन बाद में ओटीटी रिलीज करवाई ओटीटी पे अच्छा रिस्पांस मिला जिसके बाद इस फिल्म को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज भी दिलवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म को ओटीटी पे पहले 23 मई 2023 को रिलीज किया गया था उसके बाद में 2 जून 2023 को थिएटर में लिमिटेड रिलीज दिलवाई गई थी जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी से वो जी फाइव ओ टी ने खरीदे हुए सेटेलाइट राइट से वो सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच वालों ने खरीदे हुए सिर्फ एक बंदा फिल्म को जब रिलीज किया गया ओ टी प्लेट फॉर्म जी फाइ के ऊपर तब इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला क्रिटिक्स ऑडियंस के चलते जहाँ पे बीस हज़ार वोट हासिल हुए इस फिल्म को अभी तक आई एम डी वी पे जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक अच्छी रेटिंग हासिल की जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में अपना एक जगह बनाई और फिल्म ने एक अच्छी खासी व्यवस्थिप हासिल किए हुई थी तो इस फिल्म को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जरूर डेफिनेटली देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइड्स जी फाई के पास है सेटेलाइट राइट्स है वो सोनी एंटरटेनमेंट के पास है तो ये फिल्म फिल्म आपको फिलहाल में अगर ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो जी फाइ ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं फिल्म को सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और सोनी एच डी के ऊपर सिर्फ एक बंदा नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिर्फ एक बंदा काफी है। इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाई के ऊपर आप ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक बंदा काफी नाम से इंजॉय कर सकते हो वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सिर्फ एक बंदा जो एक बंदा नाम से भी जानी जाती है इस फिल्म को ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है अपूर्वा सिंह कारकिने वहीं पे इस फिल्म को लिखा हुआ है दीपक किंगरानी ने इसके अलावा जो विनोद भानुशाली है कमलेश भानुशाली विशाल गुरनानी विश्वंकर पठानिया जूही प्रकाश मेहता आसिफ शेख और सुपर्णा वर्मा उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म थी पहले इस फिल्म को थिएटरिकली रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन इस फिल्म को ओ रिलीज दिलवाई गई जहाँ पे इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे रिलीज़ करवाया गया और उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में इस फिल्म को लेटर ऑन से थिएट्रिकल रिलीज दिलवाई हुई थी जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला उसको चलते उसके बाद में इस फिल्म ने बाद में वो एक ओ टी टी से बाद सैटेलाइट रिलीज ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके चलते फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते अच्छी व्यूअरशिप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हासिल की हुई थी अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो संगीत सिद्धार्थ रॉय ने इसका म्यूजिक दिया हुआ है जिन्होंने इसमें फिल्म में तीन गाने कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट्स हिट्स म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी वो अर्जुन कु, कुकर रेती ने की हुई एडिटिंग है वो सुमित कौलियान ने की हुई एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है दो घंटे बारह मिनट लंबी है फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भानुशाली स्टूडियोज और जी स्टूडियोज़ के द्वारा ही बाद में लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज़ करवाई गई थी बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर मनोज बाजपाई लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने एडवोकेट पीसी सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म में जो मेन किरदार है मेन प्रोटोगनिस है वो रोल है मनोज बाजपेई ने ही पे प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इसके सेकंड आर्टिस्ट के बारे में विपिन शर्मा जो एडवोकेट शर्मा के रोल में दिखाई देंगे अधरिंजा सिन्हा ने नू का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या मोहन कुलरिष्टा ने बाबा जी का रोल प्ले किया हुआ है कोसव सिन्हा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल पांडे आपको अमित निहांग के रोल में दिखाई देंगे प्रियंका सेतिया ने चांद मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है जय हिंद कुमार ने नू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा शर्मा ने नू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे एडवोकेट पी सोलंकी का जो किरदार है वो सच के साथ खड़ा हुआ है जहाँ पे वो उसको जस्टिस दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे वो एक लड़की को एक रॉन्ग गोडमैन बाबा जी से इन्फ्लुएंस हुई लड़की को बचा हुए उसको, उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे लाने की कोशिश कर रहा है जहां पे केस है वो काफी हद तक अलग अलग दिशा में मूव होता हुआ नजर आता है तब किस तरह से वो लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगा वही फिल्म की कहानी बना दी जहाँ पे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी शानदार थी मनोज बाजपेयी काफ़ी नेचुरल लग रहे थे उन्होंने अपने रोल में काफ़ी जान फूकी हुए उनके किरदार के थ्रू वो अच्छा अप्रोध देते हुए नजर आते उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो इस फिल्म को चला रहे थे अपने कंधे पर वो बढ़िया था विपिन शर्मा अदरेंजर सिन्हा सूर्य मोहन कुलरेस्टा जैसे कई आर्टिस्ट आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे सभी ने काफ़ी बखूबी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की कहानी थी वो काफ़ी बढ़िया थी उसको काफ़ी क्रिस मैनर में मेकर्स ने दिखाया है डायरेक्टर ने अच्छी तरह से चीजों को डेवलप किया हुआ था स्क्रीन प्ले उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था जिस तरह से चीजों को हमें स्क्रीन प्ले में दिखाते तो हुए नजर आते वो बढ़िया है डायलॉग्स काफी बढ़िया नजर आते अच्छी तरह से डायलॉग को लिखा हुआ था और एक डेफ क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी वहीं पर फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी बढ़िया नजर आती है फिल्म की सीनेमेटोग्राफी काफी अच्छी थी बेसिक चीजों को अच्छी तरह से शोकेस करने की कोशिश की हुई है कोर्टरूम ड्रामा है उसके बावजूद उसमें जो म्यूजिक का तड़का यूज किया हुआ है वो काफी बढ़िया यानी कि म्यूजिक को जिस तरह से यूज किया हुआ था वो काफी बढ़िया चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया था जिस तरह के सीन से उस हिसाब से जा रहे थे एडिटर यानी कि सुमित कोतिया ने बखूबी इस फिल्म को क्रिस्प रखा हुआ है एक मिनट के रन टाइम यानी कि दो घंटे बारह मिनट के रन टाइम में चीजों को काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारे सामने पेश किया हुआ है तो टेक्निकली मेड बनी हुई फिल्म है कहानी अच्छी थी जिसको डायरेक्टर अपर्व सिन्हा कार्की ने डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ था मनोज बाजपाई से लेकर दुर्गा शर्मा तक सभी आर्टिस्ट ने बखूबी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई थी तो ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे नजर आई थी जिसके चलते लोगों को ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी फिल्म की शूटिंग थी वो अक्टूबर नौ दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मनोज बाजपाई ने अनाउंस किया हुआ था कि आ, वो एक ऐसी फिल्म करे जिसको उन्होंने साइन किया हुआ है जिसमें ये कहानी देखने को मिलेगी कुछ कोटरूम ड्रामा टाइप ऑफ आप आपको देखने को मिलेगा फिल्म की शूटिंग मुंबई से की गई थी जहाँ पे दिसंबर 2022 तक मुंबई में पेचवर्क के साथ फिल्म को रेपअप किया हुआ था म्यूजिक के राइट सीट म्यूजिक वालों ने डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे गानों को है, वो संग, संगीत सिद्धार्थ तो और रोई ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल तीन गाने थे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बंदा टाइटल ट्रैक था उसके लिरिक्स है वो समीर अंजान ने लिखा हुआ था इनकोर ने लिखा हुआ था और जो रेप था वो एनकोर के द्वारा लिखे गए थे वो लिरिक्स वहीं पे गाने वो विवेक हरिहरन रॉय ने गाया हुआ था और एनकोर ने रेप लिखा हुआ था तो उन्होंने ही गाया हुआ था उसको सहारा तू मेरा करके जो गाना है उसको गरिमा ओब्रहम ने लिखा हुआ था आशीष कौर और संगीत सिद्धार्थ ने उसको गाया हुआ था बंदे या करके जो गाना था उसको गरिमा ओब्रा और संगीत सहलदीपुर ने लिखा हुआ था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल तीन गाने थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट सत्ताईस सेकंड जिसको ऑफिशियली हिट्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया हुआ था तो वहाँ पे आप ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में इन तीन गानों को सुन सकते हो अब हम बात करें मार्केटिंग के ऊपर फिल्म का जो पोस्ट लुक फर्स्ट लुक था मूवी का वो 8 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था और इसका टीजर पोस्टर आपको देखने को मिला था अप्रैल दो तेज में तेईस तारीख को 2023 में देखने को मिला था अप्रैल महीने में मनोज बाजपेयी के बर्थडे के मौके के ऊपर ट्रेलर को ऑफिशियली आठ मई दो को रिलीज किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी फिल्म के अगेंस्ट कुछ लीगल नोटिस भी आई थी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ट्रेलर लॉन्च के बाद लेकिन सभी चीजें बाद में शॉर्ट आउट हो चुकी थी और यह पहले थिएट्रिकल रिलीज के लिए फिल्म को बनाया हुआ था लेकिन बाद में ओटीटी रिलीज करवाई करवाईटी पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिसके बाद इस फिल्म को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज भी दिलवाई गई थी जहां पर इस फिल्म को ओ टी पे पहले तेईस मई दो को रिलीज किया गया था उसके बाद में दो जून दो को थिएटर में लिमिटेड रिलीज दिलवाई गई थी जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी राइट से वो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए सैटेलाइट राइट से वो सोनीमैक्स और सोनीमैक्स एच डी वालों ने खरीदे हुए हुए। सिर्फ एक बंदा फिल्म को जब रिलीज किया गया ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी के ऊपर तब इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हजार वोट हासिल हुए इस फिल्म को अभी तक आई एम टी वी पे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक अच्छी रेटिंग हासिल की जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में अपना एक जगह बनाई और फिल्म ने एक अच्छी खासी व्यवरशिप हासिल की हुई थी तो इस फिल्म को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जरूर डेफिनेटली देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट जी के पास है

इसके अलावा जो विनोद भानुशाली है कमलेश भानुशाली विशाल गुरनानी विश्वंकर पठानिया जूही प्रकाश मेहता आसिफ शेख और सुपर्णा वर्मा उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म थी पहले इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन इस फिल्म को ओ रिलीज दिलवाई गई जहाँ पे इस फिल्म को बाद में ओ पे रिलीज़ करवाया गया और उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में इस फिल्म को लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज़ दिलवाई हुई थी जिस तरह का रिस्पांस मिला उसको चलते उसके बाद में इस फिल्म ने बाद में वो एक ओ टी के बाद सैटेलाइट रिलीज ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पांस के चलते अच्छी व्यूअरशिप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हासिल की हुई थी अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो संगीत सिद्धार्थ और रोई ने इसका म्यूज़िक दिया हुआ है जिन्होंने इसमें फिल्म में तीन गाने कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स हिट्स म्यूज़िक के पास है वहीं पे इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी वो अर्जुन कु, कुकर रेती ने किए हुई एडिटिंग है वो सुमित कौलियान ने किए हुई एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है दो घंटे बारह मिनट लंबी है फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भानुशाली स्टूडियोज और जी स्टूडियोज़ के द्वारा ही बाद में लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज करवाई गई थी बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर मनोज बाजपाई लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने एडवोकेट पीसी सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म में जो मेन किरदार है मेन प्रोटोगनिस है वो रोल है मनोज बाजपेई ने ही प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इसके सेकंड आर्टिस्ट के बारे में विपिन शर्मा जो एडवोकेट शर्मा के रोल में दिखाई देंगे अधरिंजा सिन्हा ने नू का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या मोहन कुलरेष्टा ने बाबा जी का रोल प्ले किया हुआ है कोश्सव सिन्हा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल पांडे आपको अमित निहांग के रोल में दिखाई देंगे प्रियंका सेतिया ने चाचन मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है जय हिंद कुमार ने नू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा शर्मा ने नू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे एडवोकेट पीसी सोलंकी का जो किरदार है वो सच के साथ खड़ा हुआ है जहाँ पे वो उसको जस्टिस दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे वो लड़की को एक रॉन्ग गोडमैन बाबा जी से इन्फ्लुएंस हुई लड़की को बचाते हुए उसको जस्टिस दिलवाने की कोशिश कर रहा है वहीं पर वो बाबा जी को आ, उसका उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे लाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे केस है वो काफ़ी हद तक अलग अलग दिशा में मुंह होता हुआ नजर आता है तब किस तरह से वो लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगा वही फिल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज काफ़ी शानदार थी मनोज बाजपेयी काफ़ी नेचुरल लग रहे थे उन्होंने अपने रोल में काफ़ी जान फूकी हुए उनके किरदार के थ्रू वो अच्छा अप्रोध देते हुए नज़र आते उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो इस फिल्म को चला रहे थे अपने कंधे पर वो बढ़िया था विपिन शर्मा आदरेंजर सिन्हा सूर्य मोहन कुलरेस्टा जैसे कई आर्टिस्ट आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे सभी ने काफी बखूबी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की कहानी थी वो काफी बढ़िया थी उसको काफी क्रिस्ट मैनर में, में मेकर्स ने दिखाया हुआ है डायरेक्टर ने अच्छी तरह से चीजों को डेवलप किया हुआ था स्क्रीन प्ले उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था जिस तरह से चीज़ों को हमें स्क्रीन प्ले में दिखाते हुए नजर आते वो बढ़िया है डायलॉग्स काफी बढ़िया नजर आते अच्छी तरह से डायलॉग को लिखा हुआ था और एक डेफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी वहीं पर इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन

टेक्निकली वेल मेड बनी हुई फिल्म है कहानी अच्छी थी जिसको डायरेक्टर अपूर्वा सिन्हा कार्की ने डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ था मनोज बाजपाई से लेकर दुर्गा शर्मा तक सभी आर्टिस्ट ने बखूबी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई थी तो ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे नज़र आई थी जिसके चलते लोगों को ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी फिल्म की शूटिंग थी वो अक्टूबर नौ दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मनोज बाजपाई ने अनाउंस किया हुआ था कि आ, वो एक ऐसी फिल्म कर रहे जिसको उन्होंने साइन किया हुआ है जिसमें ये कहानी देखने को मिलेगी कुछ कोटरूम ड्रामा टाइप ऑफ आपको देखने को मिलेगा फिल्म की शूटिंग मुंबई से की गई थी जहां पे दिसंबर 2022 तक मुंबई में पेचवक के साथ फिल्म को रेपअप किया हुआ था म्यूजिक के राइट सीट म्यूजिक वालों ने डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे गानों को है, वो सं, संगीत सिद्धार्थ और रोहित ने कम्पोज किया हुआ था फिल्म में टोटल तीन गाने थे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बंदा टाइटल ट्रैक था उसके लिरिक्स से वो समीर अंजान ने लिखा हुआ था इनकोर ने लिखा हुआ था और जो रेप था वो इनकोर के द्वारा लिखे गए थे वो लिरिक्स वहीं पे गाने वो विवेक हरिहरन रॉय ने गाया हुआ था और एनकोर ने रेप लिखा हुआ था, था तो उन्होंने गाया हुआ था उसको सहारा तू मेरा करके जो गाना है उसको गरिमा ओब्रह ने लिखा हुआ था आशीष कौर और संगीत सिद्धार्थ ने उसको गाया हुआ था बंदे या करके जो गाना था उसको गरिमा ओबराय और संगीत सहलदीपुर ने लिखा हुआ था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल तीन गाने थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट सत्ताईस सेकंड जिसको ऑफिशियली हिट्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया हुआ था तो वहाँ पर आप ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में इन तीन गानों को सुन सकते हो अब हम बात करें मार्केटिंग के ऊपर फिल्म का जो पोस्ट लुक फर्स्ट लुक था मूवी का वो 8 दिसंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था और इसका टीजर पोस्टर आपको देखने को मिला था अप्रैल दो हज़ार में तेईस तारीख को 2023 में देखने को मिला था अप्रैल महीने में मनोज बाजपेई के बर्थडे के मौके के ऊपर ट्रेलर को ऑफिशियली आठ मई दो को रिलीज़ किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी फिल्म के अगेंस्ट कुछ लीगल नोटिस भी आई थी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ट्रेलर लॉन्च के वक्त लेकिन सभी चीज़ें बाद में शॉर्ट आउट हो चुकी थी और ये पहले थिएट्रिकल रिलीज के लिए फिल्म को बनाया हुआ था लेकिन बाद में ओ रिलीज करवाई ओ टी पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिसके बाद इस फिल्म को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज भी दिलवाई गई थी जहां पर इस फिल्म को ओ टी पे पहले तेईस मई दो को रिलीज किया गया था उसके बाद में दो जून दो जा जा को थिएटर में लिमिटेड रिलीज दिलवाई गई थी जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी राइट से वो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए सैटेलाइट राइट से वो सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच वालों ने खरीदे हुए सिर्फ एक बंदा फिल्म को जब रिलीज किया गया ओ टी टी फम जी फाइव के ऊपर तब इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला क्रिटिक्स ऑडियंस के चलते जहाँ पे बीस हज़ार वोट हासिल हुए इस फिल्म को अभी तक आई एम डी वी पे जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक अच्छी रेटिंग हासिल की जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में अपना एक जगह बनाई और फिल्म ने एक अच्छी खासी व्यूरशिप हासिल की हुई थी तो इस फिल्म को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो ज़रूर डेफिनेटली देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट जी फाइव के पास है सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी एंटरटेनमेंट के पास है तो ये फिल्म फिल्म आपको फिलहाल में अगर ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं फिल्म को सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और सोनीमैक्स एच डी के ऊपर सिर्फ एक बंदा नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिर्फ एक बंदा काफी है इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाई के ऊपर आप ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक बंदा काफ़ी है नाम से इंजॉय कर सकते हो वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनीमेक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सिर्फ एक बंदा जो एक बंदा नाम से भी जानी जाती है इस फिल्म को ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है अपूर्व सिंह कारकिने वहीं पे इस फिल्म को लिखा हुआ है दीपक किंगरानी ने इसके अलावा जो विनोद भानुशाली है कमलेश भानुशाली विशाल गो गु, गुरनानी विश्वंकर पठानिया जूही प्रकाश मेहता आसिफ शेख और सुपर्णा वर्मा उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म थी पहले इस फिल्म को थिएटरिकली रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन इस फिल्म को ओ रिलीज दिलवाई गई जहाँ पे इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे रिलीज़ करवाया गया और उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में इस फिल्म को लेटर ऑन थेट्रिकल रिलीज दिलवाई हुई थी जिस तरह का रिस्पांस मिला उसको चलते उसके बाद में इस फिल्म ने बाद में वो एक ओटीटी टी टी से बाद सैटेलाइट रिलीज ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके चलते फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते अच्छी व्यूअरशिप ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हासिल की हुई थी अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो संगीत सिद्धार्थ रॉय ने इसका म्यूजिक दिया हुआ है जिन्होंने इसमें फिल्म में तीन गाने कंपोज किए हुए हैं म्यूजिक के राइट्स हिट्स म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी वो अर्जुन कुकर रेती ने की हुई एडिटिंग है वो सुमित कोतिल्लान ने की हुई एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है दो घंटे बारह मिनट लंबी है फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भानुशाली स्टूडियोज और जी स्टूडियोज़ के द्वारा ही बाद में लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज करवाई गई थी बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर मनोज बाजपेयी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने एडवोकेट पीसी सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म में जो मेन किरदार है मेन प्रोटोग से वो रोल है मनोज बाजपेयी ने ही प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इसके सेकंड आर्टिस्ट के बारे में विपिन शर्मा जो एडवोकेट शर्मा के रोल में दिखाई देंगे अधरिंजा सिन्हा ने नू का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या मोहन कुलरेष्टा ने बाबा जी का रोल प्ले किया हुआ है कोत सिन्हा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल पांडे आपको अमित निहांग के रोल में दिखाई देंगे प्रियंका सेतिया ने चाचन मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है जय हिंद कुमार ने नू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा शर्मा ने नू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा कह सकते है, क्योंकि इसमें कुछ ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहां पे एडवोकेट पीसी सोलंकी का जो किरदार है वो सच के साथ खड़ा हुआ है जहां पे वो उसको जस्टिस दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे वो एक लड़की को एक रॉन्ग गोडमैन बाबा जी से इन्फ्लुंस हुई लड़की को बचाते हुए उसको जस्टिस दिलवाने की कोशिश कर रहा है वहीं पे वो बाबा जी को आ... उसका उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे लाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे केस है वो काफ़ी हद तक अलग अलग दिशा में मुंह होता हुआ नजर आता है तब किस तरह से वो लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगा वही फिल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी शानदार थी मनोज बाजपेई काफ़ी नेचुरल लग रहे थे उन्होंने अपने रोल में काफ़ी जान फूकी हुए उनके किरदार के थ्रू वो अच्छा पद देते हुए नजर आते उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो इस फिल्म को चला रहे थे अपने कंधे पर वो बढ़िया था विपिन शर्मा आदरिंजर सिन्हा सूर्य मोहन कुलरेस्टा जैसे कई आर्टिस्ट आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे सभी ने काफी बखूबी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की कहानी थी वो काफी बढ़िया थी उसको काफी क्रिस मैनर में मेकर्स ने दिखाया हुआ है डायरेक्टर ने अच्छी तरह से चीज़ों को डेवलप किया हुआ था स्क्रीन प्ले उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था जिस तरह से चीजों को हमें स्क्रीन प्ले में दिखाते हुए नजर आते वो बढ़िया है डायलॉग्स काफी बढ़िया नजर आते अच्छी तरह से डायलॉग को लिखा हुआ था और एक डेफ क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी वहीं पर इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन

टेक्निकली वेल मेड बनी हुई फिल्म है कहानी अच्छी थी जिसको डायरेक्टर अपूर्व सिन्हा कार्की ने डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ था मनोज बाजपेई से लेकर दुर्गा शर्मा तक सभी आर्टिस्ट ने बखूबी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई थी तो ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे नजर आई थी जिसके चलते लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई थी फिल्म की शूटिंग थी वो अक्टूबर नौ दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मनोज बाजपाई ने अनाउंस किया हुआ था कि आ, वो एक ऐसी फिल्म कर रहे जिसको उन्होंने साइन किया हुआ है जिसमें ये कहानी देखने को मिलेगी कुछ कोटरूम ड्रामा टाइप ऑफ आपको देखने को मिलेगा फिल्म की शूटिंग मुंबई से की गई थी जहाँ पे दिसंबर 2022 तक मुंबई में पेचवक के साथ फिल्म को रेपअप किया हुआ था म्यूजिक के राइट सीट म्यूजिक वालों ने डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे गानों को है, वो संग, संगीत सिद्धार्थ और रोहित ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल तीन गाने थे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बंदा टाइटल ट्रैक था उसके लिरिक्स वो समीर अंजान ने लिखा हुआ था इनकोर ने लिखा हुआ था और जो रेप था वो इनकोर के द्वारा लिखे गए थे वो लिरिक्स वहीं पे गाने वो विवेक हरिहरन रॉय ने गाया हुआ था और एनकोर ने रैप लिखा हुआ था तो उन्होंने ही गाया हुआ था उसको सहारा तू मेरा करके जो गाना है उसको गरिमा ओब्रह ने लिखा हुआ था आशीष कौर और संगीत सिद्धार्थ ने उसको गाया हुआ था बंदे या करके जो गाना था उसको गरिमा ओब्रा और संगीत हल्दीपुर ने लिखा हुआ था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल तीन गाने थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट सत्ताईस सेकंड जिसको ऑफिशियली हिट्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया हुआ था तो वहाँ पे आप ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में इन तीन गानों को सुन सकते हो अब हम बात करें मार्केटिंग के ऊपर फिल्म का जो पोस्ट लुक तो फर्स्ट लुक था मूवी का वो 8 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था और इसका टीजर पोस्टर आपको देखने को मिला था अप्रैल दो हज़ार में 23 तारीख को 2023 में देखने को मिला था अप्रैल महीने में मनोज बाजपेयी के बर्थडे के मौके के ऊपर ट्रेलर को ऑफिशियली आठ मई दो को रिलीज़ किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी फिल्म के अगेंस्ट कुछ लीगल नोटिस भी आई थी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ट्रेलर लॉन्च के वक्त लेकिन सभी चीज़ें बाद में शॉर्ट आउट हो चुकी थी और ये पहले थिएट्रिकल रिलीज के लिए फिल्म को बनाया हुआ था लेकिन बाद में ओ रिलीज करवाई ओ टी पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिसके बाद इस फिल्म को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज भी दिलवाई गई थी जहां पर इस फिल्म को ओ टी पे पहले तेईस मई दो को रिलीज किया गया था उसके बाद में दो जून दो को थिएटर में लिमिटेड रिलीज दिलवाई गई थी जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी राइट से वो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए सैटेलाइट राइट से वो सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच वालों ने खरीदे हुए सिर्फ एक बंदा फिल्म को जब रिलीज किया गया ओटीटी प्लेटफॉर्म म जी फाइव के ऊपर तब इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला क्रिटिक्स ऑडियंस के चलते जहाँ पे बीस हज़ार वोट हासिल हुए इस फिल्म को अभी तक आई एम डी वी पे जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक अच्छी रेटिंग हासिल की जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में अपना एक जगह बनाई और फिल्म ने एक अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल की हुई थी तो इस फिल्म को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो ज़रूर डेफिनेटली देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइड्स जी फाइव के पास है सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी एंटरटेनमेंट के पास है तो ये फिल्म आपको फिलहाल में अगर ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं फिल्म को सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और सोनीमेक्स एच डी के ऊपर सिर्फ एक बंदा नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिर्फ एक बंदा काफी है इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाई के ऊपर आप ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक बंदा काफी है नाम से इंजॉय कर सकते हो वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सिर्फ एक बंदा जो एक बंदा नाम से भी जानी जाती है इस फिल्म को ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है अपूर्वा सिंह कारकी ने वहीं पे इस फिल्म को लिखा हुआ है दीपक किंगरानी ने इसके अलावा जो विनोद भानुशाली है कमलेश भानुशाली विशाल गो गु, गुरनानी विश्वंकर पठानिया जूही प्रकाश मेहता आसिफ शेख और सुपर्णा वर्मा उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म थी पहले इस फिल्म को थिएटरिकली रिलीज करने वाले थे लेटर ऑन इस फिल्म को ओ रिलीज दिलवाई गई जहाँ पे इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे रिलीज़ करवाया गया और उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में इस फिल्म को लेटर ऑन से थिएट्रिकल रिलीज़ दिलवाई हुई थी जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला उसको चलते उसके बाद में इस फिल्म ने बाद में वो एक ओ टी टी से वो बाद सेटेलाइट रिलीज ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते अच्छी व्यूअरशिप ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हासिल की हुई थी अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो संगीत सिद्धार्थ रॉय ने इसका म्यूजिक दिया हुआ है जिन्होंने इसमें फिल्म में तीन गाने कंपोज किए हुए हैं म्यूजिक के राइट्स हिट्स म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी वो अर्जुन कुकर रेती ने की हुई एडिटिंग है वो सुमित कोतिल्लान ने की हुई एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है दो घंटे बारह मिनट लंबी है फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भानुशाल स्टूडियोज और जी स्टूडियोज़ के द्वारा ही बाद में लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज़ करवाई गई थी बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर मनोज बाजपेई लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने एडवोकेट पीसी सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म में जो मेन किरदार है मेन प्रोटोगनिस है वो रोल है मनोज बाजपेई ने ही प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इसके सेकंड आर्टिस्ट के बारे में विपिन शर्मा जो एडवोकेट शर्मा के रोल में दिखाई देंगे अधरिंजा सिन्हा ने नू का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या मोहन कुलरेष्टा ने बाबा जी का रोल प्ले किया हुआ है कोत सिन्हा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल पांडे आपको अमित निहांग के रोल में दिखाई देंगे प्रियंका सेतिया ने चाचन मिश्रा का, का रोल प्ले किया हुआ है जय हिंद कुमार ने नू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा शर्मा ने नू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे एडवोकेट पीसी सोलंकी का जो किरदार है वो सच के साथ खड़ा हुआ है जहाँ पे वो उसको जस्टिस दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे वो एक लड़की को एक रॉन्ग गोडमैन बाबा जी से इन्फ्लुएंस हुई लड़की को बचाते हुए उसको जस्टिस दिलवाने की कोशिश कर रहा है वहीं पर वो बाबा जी को आ, उसका उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे लाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे केस है वो काफ़ी हद तक अलग अलग दिशा में मूव होता हुआ नजर आता है तब किस तरह से वो लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगा वही फिल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी शानदार थी मनोज बाजपेयी काफ़ी नेचुरल लग रहे थे उन्होंने अपने रोल में काफ़ी जान फूकी हुए उनके किरदार के थ्रू वो अच्छा पद देते हुए नजर आते उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो इस फिल्म को चला रहे थे अपने कंधे पर वो बढ़िया था विपिन शर्मा आदरिंजर सिन्हा सूर्य मोहन कुलरेस्टा जैसे कई आर्टिस्ट आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे सभी ने काफी बखूबी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की कहानी थी वो काफी बढ़िया थी उसको काफी क्रिस मैनर में मेकर्स ने दिखाया हुआ है डायरेक्टर ने अच्छी तरह से चीजों को डेवलप किया हुआ था स्क्रीन प्ले उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था जिस तरह से चीजों को हमें स्क्रीन प्ले में दिखाते हुए नजर आते वो बढ़िया है डायलॉग्स काफी बढ़िया नजर आते अच्छी तरह से डायलॉग को लिखा हुआ था और एक डेफ्थ क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी वहीं पर इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी बढ़िया नजर आती है फिल्म की, काफ़ी अच्छी थी। बेसिक अच्छी की, की है तड़का यूज किया हुआ कि था काफी बढ़िया था। चीजों को अच्छी तरह से हुआ है बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया था जिस तरह के सीन्स थे उस हिसाब से जा रहे थे एडिटर यानी कि सुमित कोतिया ने बखूबी इस फिल्म को क्रिस्प रखा हुआ है एक मिनट के रन टाइम में यानी कि दो घंटे बारह मिनट के रन टाइम में चीजों को काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारे सामने पेश किया हुआ है तो टेक्निकली वेलमेड well बनी हुई फिल्म है, कहानी अच्छी थी जिसको डायरेक्टर अपूर्व सिन्हा कार्की ने डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ था मनोज बाजपाई से लेकर दुर्गा शर्मा तक सभी आर्टिस्ट ने बखूबी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई थी तो ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे नजर आई थी जिसके चलते लोगों को ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी फिल्म की शूटिंग थी वो अक्टूबर नौ दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मनोज बाजपाई ने अनाउंस किया हुआ था कि वो एक ऐसी फिल्म करे जिसको उन्होंने साइन किया हुआ है जिसमें ये कहानी देखने को मिलेगी कुछ कोटरूम ड्रामा टाइप ऑफ आपको देखने को मिलेगा फिल्म की शूटिंग मुंबई से की गई थी जहाँ पे दिसंबर 2022 तक मुंबई में पेचवर्क के साथ फिल्म को रेपअप किया हुआ था म्यूजिक के राइट सीट्स म्यूजिक वालों ने डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे गानों को संग, संगीत सिद्धार्थ और रॉय ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल तीन गाने थे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बंदा टाइटल ट्रैक था उसके लिरिक्स है वो समीर अनजान ने लिखा हुआ था इनकोर ने लिखा हुआ था और जो रेप था वो इनकोर के द्वारा लिखे गए थे वो लिरिक्स वहीं पे गाने वो विवेक हरिहरन रॉय ने गाया हुआ था और एनकोर ने रेप लिखा हुआ था तो उन्होंने गाया हुआ था उसको सहारा तू मेरा करके जो गाना है उसको गरिमा ओब्रहम ने लिखा हुआ था आशीष कौर और संगीत सिद्धार्थ ने उसको गाया हुआ था बंदे या करके जो गाना था उसको गरिमा ओबराय और संगीत हल्दीपुर ने लिखा हुआ था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल तीन गाने थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट सत्ताईस सेकंड जिसको ऑफिशियली हिट्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज किया हुआ था तो वहाँ पे आप फिशियल वीडियो फॉर्मेट में इन तीन गानों को सुन सकते हो अब हम बात करें मार्केटिंग के ऊपर फिल्म का जो पोस्ट लुक तो फर्स्ट लुक था मूवी का वो 8 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था और इसका टीजर पोस्टर आपको देखने को मिला था अप्रैल दो तेस में तेईस तारीख को दो में देखने को मिला था अप्रैल महीने में मनोज बाजपेयी के बर्थडे के मौके के ऊपर ट्रेलर को ऑफिशियली आठ मई दो को रिलीज किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी फिल्म के अगेंस्ट कुछ लीगल नोटिस भी आई थी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ट्रेलर लॉन्च के वक्त लेकिन सभी चीजें बाद में शॉर्ट आउट हो चुकी थी और यह पहले थिएट्रिकल रिलीज के लिए फिल्म को बनाया हुआ था लेकिन बाद में ओटी रिलीज करवाई ओ टी पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिसके बाद इस फिल्म को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज भी दिलवाई गई थी जहां पर इस फिल्म को ओ टी पे पहले तेईस मई दो को रिलीज किया गया था उसके बाद में दो जून दो को थिएटर में लिमिटेड रिलीज दिलवाई गई थी जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी राइट से वो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए सैटेलाइट राइट से वो सोनी मैक्स और मैक्स एच वालों ने खरीदे हुए सिर्फ एक बंदा फिल्म को जब रिलीज किया गया ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर अच्छा वोट हासिल हुए इस फिल्म को अभी तक जिसमें की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से तो एक अच्छी रेटिंग हासिल की जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में अपना एक जगह बनाई और फिल्म ने एक अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल की हुई थी तो इस फिल्म को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जरूर डेफिनेटली देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट जी के पास है

इसके अलावा जो विनोद भानुशाली है कमलेश भानुशाली विशाल गो गुरनानी विश्वंकर पठानिया जूही प्रकाश मेहता आसिफ शेख और सुपर्णा वर्मा उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म थी पहले इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन इस फिल्म को ओ रिलीज दिलवाई गई जहाँ पे इस फिल्म को बाद में ओ पे रिलीज़ करवाया गया और उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में इस फिल्म को लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज़ दिलवाई हुई थी जिस तरह का रिस्पांस मिला उसको चलते उसके बाद में इस फिल्म ने बाद में वो एक ओ टी के बाद सैटेलाइट रिलीज ली हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पांस के चलते अच्छी व्यूअरशिप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हासिल की हुई थी अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो संगीत सिद्धार्थ और रोही ने इसका म्यूज़िक दिया हुआ है जिन्होंने इसमें फिल्म में तीन गाने कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स हिट्स म्यूज़िक के पास है वहीं पे इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी वो अर्जुन कुत, कुकर रेती ने की हुई एडिटिंग है वो सुमित कोतिल्न ने की हुई एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है दो घंटे बारह मिनट लंबी है फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भानुशाली स्टूडियोज और स्टूडियोज के द्वारा ही बाद में लेटर ऑन थिएट्रिकल रिलीज करवाई गई थी बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर मनोज बाजपेई लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने एडवोकेट पीसी सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म में जो मेन किरदार है मेन प्रोटोगनिस है वो रोल है मनोज बाजपेई ने ही प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इसके सेकंड आर्टिस्ट से के बारे में विपिन शर्मा जो एडवोकेट शर्मा के रोल में दिखाई देंगे अधरिंजा सिन्हा ने नू का रोल प्ले किया हुआ है सूर्या मोहन कुलरेष्टा ने बाबा जी का रोल प्ले किया हुआ है कोत सव सिन्हा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल पांडे आपको अमित निहांग के रोल में दिखाई देंगे प्रियंका सेतिया ने चांद मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है जय हिंद कुमार ने नू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है दुर्गा शर्मा ने नू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म की कुछ कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे एडवोकेट पीसी सोलंकी का जो किरदार है वो सच के साथ खड़ा हुआ है जहाँ पे वो उसको जस्टिस दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे वो लड़की को एक रॉन्ग गोडमैन बाबा जी से इन्फ्लुएंस हुई लड़की को बचाते हुए उसको जस्टिस दिलवाने की कोशिश कर रहा है वहीं पर वो बाबा जी को आ, उसका उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे लाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे केस है वो काफ़ी हद तक अलग अलग दिशा में मूव होता हुआ नजर आता है तब किस तरह से वो लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस काफ़ी शानदार थी मनोज बाजपेयी काफ़ी नेचुरल लग रहे थे उन्होंने अपने रोल में काफ़ी जान फूकी हुए उनके किरदार के थ्रू वो अच्छा प्रध देते हुए नजर आते उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से वो इस फिल्म को चला रहे थे अपने कंधे पर वो बढ़िया था विपिन शर्मा अदरिंजर सिन्हा सूर्य मोहन कुलरेस्टा जैसे कई आर्टिस्ट आपको इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे सभी ने काफी बखूबी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की कहानी थी वो काफी बढ़िया थी उसको काफी क्रिस मेनर में, में मेकर्स ने दिखाया हुआ है डायरेक्टर ने अच्छी तरह से चीजों को डेवलप किया हुआ था स्क्रीन प्ले उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था जिस तरह से चीजों को हमें स्क्रीन प्ले में दिखाते हुए नजर आते वो बढ़िया है डायलॉग्स काफी बढ़िया नजर आते अच्छी तरह से डायलॉग को लिखा हुआ था और एक डेफ क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी वहीं पर इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी बढ़िया नजर आती है फिल्म की सीनेमेटोग्राफी काफी अच्छी थी बेसिक चीजों को अच्छी तरह से शोकेस करने की की कोशिश हुई ड्रामा है उसके बावजूद उसमें जो म्यूज़िक का तड़का यूज किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया यानी कि म्यूज़िक को जिस तरह से यूज किया हुआ था काफी बढ़िया चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया था जिस तरह के सीन्स थे उस हिसाब से जा रहे थे एडिटर यानी कि सुमित कोतिया ने बखूबी इस फिल्म को क्रिस्प रखा हुआ है एक मिनट के रन टाइम में यानी कि दो घंटे बारह मिनट के रन टाइम में चीजों को काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारे सामने पेश किया हुआ है तो टेक्निकली वेल मेड बनी हुई फिल्म है कहानी अच्छी थी जिसको डायरेक्टर अपूर्व सिन्हा कार्की ने डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ था मनोज बाजपाई से लेकर दुर्गा शर्मा तक सभी आर्टिस्ट ने बखूबी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई थी तो ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे नजर आई थी जिसके चलते लोगों को ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी फिल्म की शूटिंग थी वो अक्टूबर नौ दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे मनोज बाजपाई ने अनाउंस किया हुआ था कि आ, वो एक ऐसी फिल्म कर रहे जिसको उन्होंने साइन किया हुआ है जिसमें ये कहानी देखने को मिलेगी कुछ कोटरूम ड्रामा टाइप ऑफ आपको देखने को मिलेगा फिल्म की शूटिंग मुंबई से की गई थी जहाँ पे दिसंबर 2022 तक मुंबई में पेचवर्क के साथ फिल्म को रेपअप किया हुआ था म्यूजिक के राइट सीट्स म्यूजिक वालों ने डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे गानों को है, वो संग, संगीत सिद्धार्थ और रॉय ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल तीन गाने थे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बंदा टाइटल ट्रैक था उसके लिरिक्स से वो समीर अनजान अं� ने लिखा हुआ था इनकोर ने लिखा हुआ था और जो रेप था वो इनकोर के द्वारा लिखे गए थे वो लिरिक्स वहीं पे गाने वो विवेक हरिहरन रॉय ने गाया हुआ था और रेन ने रेप लिखा हुआ था तो उन्होंने ही गाया हुआ था उसको सहारा तू मेरा करके जो गाना है उसको गरिमा ओब्रह ने लिखा हुआ था आशीष कौर और संगीत सिद्धार्थ ने उसको गाया हुआ था बंदे या करके जो गाना था उसको गरिमा ओबराय और संगीत सहलदीपुर ने लिखा हुआ था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था तो एक तो तो टोटल तीन गाने थे जिसकी लेंथ थी दस मिनट सत्ताईस सेकंड जिसको ऑफिशियली हिट्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया हुआ था वहाँ पे आप ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में तीन गानों को सुन सकते हो अब हम बात करें मार्केटिंग के ऊपर फिल्म का जो पोस्ट लुक था तो फर्स्ट लुक था मूवी का वो 8 दिसंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था और इसका टीजर पोस्टर आपको देखने को मिला था अप्रैल दो हज़ार में तेईस तारीख को दो में देखने को मिला था अप्रैल महीने में मनोज बाजपेई के बर्थडे के मौके के ऊपर ट्रेलर को ऑफिशियली आठ मई दो को रिलीज़ किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी फिल्म के अगेंस्ट कुछ लीगल नोटिस भी आई थी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ट्रेलर लॉन्च के वक्त लेकिन सभी चीज़ें बाद में शॉर्ट आउट हो चुकी थी और पहले थिएट्रिकल रिलीज के लिए फिल्म को बनाया हुआ था लेकिन बाद में ओटी रिलीज करवाई ओ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिसके बाद इस फिल्म को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज भी दिलवाई गई थी जहां पे इस फिल्म को ओ पे पहले तेईस मई दो को रिलीज, को रिलीज किया गया था उसके बाद में दो जून दो को थिएटर में लिमिटेड रिलीज दिलवाई गई थी जी स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी राइट से वो जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए सैटेलाइट राइट से वो सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच वालों ने खरीदे हुए सिर्फ एक बंदा फिल्म को जब रिलीज किया गया ओटीटी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर तब इस फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला क्रिटिक्स ऑडियंस के चलते जहाँ पे बीस हज़ार वोट हासिल हुए इस फिल्म को अभी तक आई एम डी वी पे जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक अच्छी रेटिंग हासिल की जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में अपना एक जगह बनाई और फिल्म ने एक अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल की हुई थी तो इस फिल्म को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जरूर डेफिनेटली देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइड जी फाइव के पास है सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी एंटरटेनमेंट के पास है तो ये फिल्म फिल्म आपको फिलहाल में अगर ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं फिल्म को सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी के ऊपर सिर्फ एक बंदा नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिर्फ एक बंदा काफी है। इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाई के ऊपर आप ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन सिर्फ एक बंदा काफी नाम से इंजॉय कर सकते हो वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गाय सिर्फ एक बंदा फिल्म का इस... तो बस गए सिर्फ एक बंदा काफ़ी है इस फिल्म के ऊपर जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके दी हुई है फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू